Hello and good evening everyone. Welcome to my channel Project PMYP. So this video is going to be on current affairs of January 2023. ये video बहुत important होने वाले for all your upcoming exam जैसे कि UPSSC PET जिसका एक exam आपका October end में है, SSC mains जिसका again exam आपका October end में है, MPPSC जिसका exam आपका December में पढ़ने वाला है और JSSC जिसका exam आपका again 15th October को होने वाला है. तो इन सभी एग्जाम्स में और इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम से भी करंट अफेयर्स पूछी जाती है, आपको ऑलरेडी पता है. तो उसके लिए ये करंट अफेयर्स की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. इसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और लगभग 250 से 300 करंट अफेयर्स हम हर महीने के देखते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो जनवरी की वीडियो होने वाली, अगली वीडियो ऐसे फेब की होगी और ऐसे करते करते हम लोग पूरे सेप्टेम्बर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. सो लेट अस बिगिन विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम नंबर वन ओडीआई टीम इन द आईसीसी रैंकिंग आफ्टर विनिंग द सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी इट इज आवर डियर टीम इंडिया. सो टीम इंडिया हैव बिकम नंबर वन इन ओडीआई टीम आईसीसी रैंकिंग्स और किसके अगेंस्ट जीती है सीरीज, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर हु इज ओनली इंडियन इंक्लूडेड इन आईसीसी मेन्स टेस्ट टीम ऑफ द ईयर. आईसीसी मेन्स टेस्ट टीम ऑफ द ईयर एक टेस्ट टीम बनी है, उसमें इंडिया से एक ही प्लेयर केवल इंक्लूडेड है एंड दैट प्लेयर इज ऑप्शन सी ऋषभ पंत. जी हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत ही केवल उसमें एक प्लेयर है. तो इस जो ये टीम बनी है इसका कोई एक कैप्टन भी होगा. अच्छा, ऋषभ पंत किस पोजीशन पे है, तो ये आपके विकेट कीपर की पोजीशन पे है. ठीक है, विकेट कीपर. तो कैप्टन कौन है इसका, इंग्लैंड टीम के कैप्टन कौन है, इंग्लैंड टीम का कैप्टन दैट इज योर बेन स्टोक्स. बेन स्टोक्स जी इस टीम के भी कैप्टन है, किसके, आईसीसी मेन्स टीम टेस्ट टीम ऑफ द ईयर. ठीक है, चलो. और ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज. ठीक है, ये दोनों आपके 2022 के आईसीसी ओडीआई टीम के प्लेयर्स थे, आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के प्लेयर्स थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्यना सबलेंका हैज वन विमेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023. किसका टाइटल जीता है इन्होंने, आर्यना ने, ऑस्ट्रेलियन, ए से आर्यन, ए से आर्यना और ए से ऑस्ट्रेलियन. ठीक है, शी बिलोंग्स, तो शी बिलोंग्स टू बेलारूस. ठीक है, शी बिलोंग्स टू बेलारूस. चलो नेक्स्ट. अच्छा, ये आपके विमेन सिंगल टाइटल जीती है, वैसे ही आपका मेन सिंगल किसने जीता है, एनी आइडिया? सो मेन सिंगल जीता है आपके नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच. ठीक है, नोवाक जोकोविच ने आपका 22nd ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इंडिया हैज वन विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. सो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर विच टीम हैज वन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसने जीता है. द कंट्री इज जर्मनी, द कंट्री इज जर्मनी. ये हुआ कहाँ पे था, ये इंडिया में हुआ था. इंडिया में किस स्टेट में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था. भुवनेश्वर कहाँ पे है, ये स्टेट कौन सा है, उड़ीसा. उड़ीसा के दो डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, एक आपका भुवनेश्वर में हुआ था और एक आपका कलिंगा में हुआ था. एक कलिंगा स्टेडियम था और एक आपका कौन सा स्टेडियम था, बिरसा मुंडा स्टेडियम. तो दो स्टेडियम्स में हुआ था, जो कि आपका एक कलिंगा में है और एक भुवनेश्वर में है और एक कहाँ पे आपका राउरकेला, राउरकेला. तो एक भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, एक राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था. स्टेडियम कौन कौन से हैं, कलिंगा और बिरसा मुंडा स्टेडियम. ठीक है, विनर कंट्री कौन सी है, जर्मनी. प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लेयर ऑफ द मैच, सो प्लेयर ऑफ द मैच वॉज निकलस विलेन. क्या नाम है इनका, निकलस विलेन. ठीक है, निकलस विलेन. अब इंडिया में हुआ था तो इंडिया की पोजीशन क्या थी, इंडिया की पोजीशन थी नाइन्थ. इंडिया की पोजीशन थी नाइन्थ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अच्छा, जर्मनी जीता है, इसके पहले जर्मनी कब जीता था, इसके पहले ये टाइटल जर्मनी जीता था 2006 में. ठीक है, इसके पहले जर्मनी 2006 में जीता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिगैन ऑन 30 जनवरी इन विच स्टेट. फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे शुरू हुआ था, ये आपका मध्य प्रदेश में. ठीक है, मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर Who has become the highest wicket taker of Team India in T20 international cricket history? Highest wicket taker. So he is Yuzvendra Chahal.
कौन है वो? युजवेंद्र चहल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी हैज लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो ये आपको कौन से स्टेट है? गुजरात. ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन गुजरात. चलिए, किसके द्वारा शुरू हुआ है? एनटीपीसी के द्वारा शुरू हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसरो ऑन जनवरी 2023 हैज अनाउंस कोलैबोरेशन विद हुम? ठीक है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन द कंट्री. किसके साथ कोलैबोरेशन करने वाला है इसरो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन, ये कोलैबोरेशन करने वाला है आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया. अब बताइए, मनसुख मांडविया किस चीज के मिनिस्टर हैं? द कंट्रीज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड कल्चर फर्टिलाइजर प्लांट इन ओडिशा विल बी रेडी बाई विच ईयर? तो ये आपका तैयार हो जाएगा 2024 तक. अब इंपॉर्टेंट क्या है? तलचर कहाँ पर है? तलचर आपका फर्टिलाइजर प्लांट उड़ीसा में है. मनसुख मांडविया किस किस चीज़ के मिनिस्टर हैं इनके पास? आप ऐसे याद कर लो, दो ड्रग रिलेटेड मिनिस्ट्री है. एक तो आपके जिस ड्रग्स कहाँ यूज होते हैं? दवाइयों में यूज होते हैं, तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है इनके पास. और कहाँ यूज होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर में यूज होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है इनके पास. ठीक है, तो उड़ीसा में कब तक तैयार हो जाएगा? 2024 तक तैयार हो जाएगा. क्या है ये? तलचर फर्टिलाइजर प्लांट. ठीक है, और ये कंट्री का पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट है. हु इन जनवरी 2023 डेवलप्ड यूएवी, दैट इज योर अनमैंड एरियल व्हीकल टू कैरी आउट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस इन हिमालयन बॉर्डर? अभी हम लोग रोड से लेके जाते हैं सामान, तो कभी कभी होता नहीं है, बर्फ की चट्टानें गिरी होती है, अवलांचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं क्रॉस कर पाते हैं, और जो बॉर्डर्स पे हमारे सैनिक सिपाही तैनात है उन तक हम सामान नहीं पहुंचा पाते हैं. ठीक है, आर्मामेंट्स नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अब यूएवी की मदद से हो जाएगा. ये किसने डेवलप किया? तो ऑब्वियसली किसने डेवलप किया है? ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन्स हैव बीन डिप्लॉयड बाई आईजी ड्रोन्स. आईजी ड्रोन एक आपकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन? इस ड्रोन का क्या नाम है? इस ड्रोन का नाम है स्काई हॉक. ये 5G एनेबल्ड ड्रोन है, नाम है इसका स्काई हॉक. इसकी स्पीड पता है कितनी है? 100 किलोमीटर तक की स्पीड कवर कर सकता है मात्र 12 मिनट में. ठीक है, और लगभग 10 किलोग्राम का पेलोड भी कैरी कर सकता है. नाम क्या है? स्काई हॉक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन जनवरी 2023, 14 जनवरी 2023, हु हैज अनाउंस जियो स्पेशल हैकाथन टू प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन इंडिया जियो स्पेशल सिस्टम? तो ये किसके द्वारा शुरू हुआ है आपके जियो स्पेशल? तो ये जियो स्पेशल किससे रिलेटेड लग रहा है? साइंस एंड टेक से रिलेटेड लग रहा है. तो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर ने शुरू किया होगा. एंड हु इज ही? डॉक्टर जितेंद्र सिंह. डॉक्टर जितेंद्र सिंह. ओम बिरला कौन है? आपके लोकसभा स्पीकर हैं. जगदीप धनखड़ कौन है? ही इज योर वाइस प्रेसिडेंट. ही इज आवर वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली. नरेंद्र मोदी कौन है? ऑब्वियसली ही इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. क्या है ये? जियो स्पेशल हैकाथन. जियो स्पेशल हैकाथन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. बाय विच ईयर विल एंटायर कंट्री बी कवर्ड बाई डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क? डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क ये क्या करेगा? हमारी वेदर फॉरकास्टिंग में हेल्प करेगा. ठीक है, अभी ऑलरेडी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी ये डिप्लॉयड है. तो किस ईयर तक ये पूरे कंट्री को कवर कर लेगा? तो द ईयर इज 2025 तक ये पूरे कंट्री को कवर कर लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, क्या नाम है? भारत का भार ओएस. वो सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच आईआईटी इंस्टीट्यूट? तो भार ओएस वो सक्सेसफुली टेस्टेड बाय, जी हाँ, आईआईटी मद्रास. आईआईटी मद्रास. ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर और आपके कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ये दोनों ने मिलके इसको टेस्ट किया था. ठीक है, कौन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी और अश्विनी वैष्णव जी. ठीक है, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर बाय अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन. तो ये आपका, इसकी फाउंडेशन ले करी गई है आपकी तमिलनाडु में. कहाँ पर? तमिलनाडु में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसरो विल लॉन्च विच मिशन? अब यहाँ पे विल है, ऑलरेडी हो चुका है जून जुलाई में, लेकिन ये पोस्टपोन करके कब कर दिया गया था? सितंबर 2, 2023 को. कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? एनी आइडिया? बिल्कुल, आपका कौन सा मिशन लॉन्च हुआ था? आदित्य L1. अब आदित्य L1 किसका मिशन है? ये सन को स्टडी करने का मिशन है. सन पे जा नहीं रहा है, सन को स्टडी करने का मिशन है ये, इतना दिमाग में रखना है.
दूसरी चीज, ये सन को स्टडी करने का मिशन है, तो ये L1 क्या है? देखो, जो आपका ग्लोब है, हमारी अर्थ है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है? एक पॉइंट आपका L1 है, जिसको बोलते हैं क्या, लेगरांजे पॉइंट, लेगरांजे पॉइंट, ठीक है? तो ये लेगरांजे L1 पे जाएगा, लेगरांजे 1 पॉइंट पे जाएगा। ऐसे आपका L2 है, L3 है, डिफरेंट पॉइंट्स है L4 एंड L5, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजीलियन लेजेंड पेले हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब जो पेले साहब हैं, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी बताया गया था, प्लेयर ऑफ सेंचुरी अवार्ड मिला था। तो आप समझ सकते हैं, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द मैच तो दूर की बात है, प्लेयर ऑफ सेंचुरी, किस सेंचुरी, 2000 में मिला था इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, ठीक है? तो ये रिलेटेड है किससे? अब ये किस चीज का अवार्ड था? फीफा, ठीक है? फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। तो आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा, द राइट आंसर इज फुटबॉल। इनके पास तीन वर्ल्ड कप, तीन फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइटल्स हैं ऑलरेडी, ठीक है? कहाँ के प्लेयर हैं? ब्राजील के प्लेयर हैं, तो ब्राजीलियन लेजेंड पेले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनाउंड असमीज पोएट नीलमणि फुकन हैज पास्ड अवे ऑन 19 जनवरी 2023। ही वॉज अवॉर्डेड डैश ज्ञानीपीठ अवार्ड। तो आपके नीलमणि फुकन जी को 56th ज्ञानीपीठ अवार्ड मिला था। कौन सा? 56th ज्ञानीपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है? इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड किस चीज के लिए? पोइट्री कलेक्शन के लिए। और पोइट्री कलेक्शन का नाम क्या था? कविता। क्या नाम था? कविता की कलेक्शन का कविता ही नाम था, ठीक है? इनके और भी अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे जुजिया हेनू, नामी हाई, ठीक है? बदारा अली जोफे वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज पास्ड अवे इन इंडिया? कौन है ये? बदारा अली जोफी, इनका निधन हो गया। ये वाइस प्रेसिडेंट थे किसी कंट्री के, और इनका निधन इंडिया में हो गया है। ये बहुत बीमार थे, 65 साल के थे, और इनका निधन हो गया है। ये वाइस प्रेसिडेंट थे कहाँ के? गाम्बिया के, ठीक है? गाम्बिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, ओके? नेक्स्ट, और कब ये बने थे वाइस प्रेसिडेंट? 2022 में ही बने थे। गाम्बिया कहाँ पर है? ये आपके अफ्रीका में है, एक्चुअली वेस्ट अफ्रीका की छोटी सी कंट्री है गाम्बिया, ठीक है? चलो, और गाम्बिया की कैपिटल क्या है? बांजुल। बांजुल वहां की कैपिटल है, और दालासी वहां की करेंसी है, दालासी करेंसी है। अब वाइस प्रेसिडेंट जी का निधन हो गया है, तो प्रेसिडेंट जी हो सकता है न्यूज में पूछे जाए, तो प्रेसिडेंट कौन है वहां का? एडम बैरो। हु इज अ प्रेसिडेंट ऑफ गाम्बिया? एडम बैरो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट टू रिसीव प्रिटजर प्राइज इन आर्किटेक्चर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर इन 2018 पास्ड अवे। सो हु इज ही? ही इज डॉक्टर बालकृष्णा दोषी। कौन सा अवार्ड मिला था इनको? पहले इंडियन आर्किटेक्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा प्राइज मिला था? प्रिट्जर प्राइज। तो एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि प्रिट्जर प्राइज किस चीज से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। किसको मिला था? बीबी दोषी जी को, दैट इज योर बालकृष्णा दोषी जी को मिला था, ठीक है? चलो, इनका पूरा नाम था बालकृष्णा विठ्ठल दास दोषी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केवल इनको यही नहीं मिला था, 2020 में इनको पद्म भूषण भी मिला था, पद्म भूषण, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग सीवीसी, दैट इज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन दिसंबर 2022? तो ही वाज डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या है ये आपके? सीवीसी, दैट इज योर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सीवीसी तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, इसके जो चीफ है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है वो? ही इज सुरेश एन पटेल। इनका टर्म खत्म हो गया था, और इनकी जगह आ गए आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब ये बन गए हैं क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है? चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ओके? आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन नॉमिनेटेड बाई यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है? तो ये बन गए हैं आपके राजीव बाद्याल, राजीव बाद्याल, ठीक है? नेशनल स्पेस काउंसिल एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है? तो ही इज इंडियन अमेरिकन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। नाम क्या है? राजीव बाद्याल, ठीक है? नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिलेज इन वीजा प्रोसेसिंग इन इंडिया? तो द कंट्री इज यूएसए, ठीक है?
यूएसए। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर योर पेट एग्जामिनेशन। पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर बन गई है उत्तर प्रदेश की। तो द राइट आंसर टू दिस इज लक्ष्मी सिंह। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी सिंह। ठीक है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में भी लक्ष्मी सिंह टाइप कर दो और ये भी लिख दो कि शी इज द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ यूपी। किसको रिप्लेस करेंगी? आलोक सिंह को। लक्ष्मी सिंह विल रिप्लेस आलोक सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोस्टिंग कहाँ पर हो गई इनकी? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ इन दिसंबर 2022। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, सो ही इज सुजोय लाल थासेन। क्या नाम है? सुजोय लाल थासेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू बी पोस्टेड एट सियाचिन बैटल फील्ड। तो उनका नाम है आपका, क्या नाम है इनका? शी इज शिवा चौहान। क्या नाम है? शिवा चौहान। शिवा चौहान जी कहाँ प्लेस्ड हुई है? सियाचिन। ठीक है, शिवा चौहान कहाँ प्लेस्ड हुई है? सियाचिन बैटल फील्ड पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ही इज विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह क्या बन गए हैं? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लेकिन एक बार बता दीजिए आप, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एनी आइडिया? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका थाईलैंड में। कहाँ पर है? थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड, थाईलैंड में कहाँ पर? कैपिटल बैंकॉक में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पहली बार है कि कोई इंडियन इस पोजीशन पर आया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनय प्रकाश सिंह, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें आपके 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, हु वाज अपॉइंटेड एज स्टेट आइकन फॉर बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन। सो बिहार में इलेक्शन कमीशन का स्टेट आइकन कौन बन गया है? तो ये है आपकी मैथिली ठाकुर। ठीक है, मैथिली ठाकुर। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी। बीसीसीआई ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसको रीइलेक्ट कर लिया गया? ये पहले भी थे, फिर से यही है आपके। एंड द राइट आंसर इज चेतन शर्मा। क्या आंसर है? चेतन शर्मा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन जनवरी 2023। तो स्पीकर बन गया है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। हु इज ही? ही इज ऑप्शन डी। क्या है? केविन मैकार्थी। क्या नाम है इनका? केविन मैकार्थी। ठीक है, ये आपके 55th स्पीकर हैं। किस नंबर के स्पीकर हैं? 55th स्पीकर हैं। प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का? ऑब्वियसली पता होगा, जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमने देखा था, कमला हैरिस। ठीक है, मेटा अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हु एज डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप। ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया जनवरी 2023 में। बाय होम? बाय मेटा। तो हु इज ही? ही इज विकास पुरोहित। विकास पुरोहित क्या बन गए हैं? ये आपके डायरेक्टर फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया, अनाउंस्ड बाय मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यूट्रिशन स्पॉन्सर बाय हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इन जनवरी 2023। न्यूट्रिशन स्पॉन्सर बाय हर्बालाइफ, सो शी इज स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बी आर ओ दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू बी डिप्लॉयड ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट इन जनवरी 2023। तो ये आपकी जा रही है फॉरेन प्रोजेक्ट पे, ये पहली वुमेन ऑफिसर है। ठीक है, किसकी? बी आर ओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो शी इज, राइट आंसर इज सुरभि झाकमोला। क्या राइट आंसर? सुरभि झाकमोला। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कहाँ जा रही है ये? यहाँ पे लिखा ना फॉरेन प्रोजेक्ट, तो फॉरेन में मतलब कहाँ फॉरेन में जा रही है? शी इज गोइंग टू भूटान। ठीक है, भूटान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज एन कोटेश्वर सिंह। एन कोटेश्वर सिंह। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. हु हैज बीन कॉन्करेंटली अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड. तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्शल आइलैंड के लिए एम्बेसडर कौन है इंडिया का. सो द राइट आंसर इज सीबी जॉर्ज. सीबी जॉर्ज, ठीक है, सीबी जॉर्ज कहाँ के लिए? मार्शल आइलैंड के लिए. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Who among the following has been appointed as Deputy National Security Advisor? Deputy National Security Advisor. अच्छा, तो National Security Advisor कौन है? National Security Advisor अजीत डोवल, ठीक है, अजीत डोवल. अभी Deputy National Security Advisor कौन अपॉइंट हुआ है? तो राइट आंसर इज पंकज कुमार सिंह. पंकज कुमार सिंह, ठीक है, और ये ऑलरेडी रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF है, ठीक है. नेक्स्ट, Who has been appointed as director of Ayushman Bharat Digital Mission by government? Ayushman Bharat Digital Mission by government का director. So the director is Praveen Sharma. Option C, Praveen Sharma. ठीक है. Next question. Who has recently been appointed as next Chief Director General of Civil Aviation? DGCA का अगला chief. So he is Vikram Dev Dutt. Vikram Dev Dutt. क्या बन गए हैं? चीफ बन गए हैं किसके? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन जनवरी 2023 हैज बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू बी स्वॉर्न इन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. पहला इंडियन अमेरिकन टू बी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट. सो शी इज अरुणा मिलर. क्या नाम है उनका? अरुणा मिलर. ऑप्शन डी, अरुणा मिलर. ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अरुणा मिलर कहाँ से हैं? अरुणा मिलर आपकी आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है. अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं. 356th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैज बीन सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री ऑन विच डेट. इनका बर्थडे कब पड़ता है? 29th ऑफ दिसंबर को. गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये आपके कौन से गुरु थे? ये 10th एंड लास्ट गुरु थे. इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका 1666 में. कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था, पटना साहिब बिहार में हुआ था, ठीक है. और नाइन्थ गुरु कौन थे? नाइन्थ गुरु थे आपके तेज बहादुर. तेज बहादुर, ठीक है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड ब्रेल डे. वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे. अच्छा, ब्रेल लिपि का इजाद किसने किया था? ये आपके कौन थे? लुई ब्रेल. इन्हीं के बर्थडे के दिन मनाना जाया जाना चाहिए, राइट? लुई ब्रेल, ठीक है. इन्वेंट कब किया था? 1809 में, ठीक है. तो द डेट इज 4th जनवरी. सो ब्रेल डे सेलिब्रेटेड ऑन 4th जनवरी, ठीक है. नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको बोलते हैं क्या? NRI डे. क्यों मनाया जाता है? इसी दिन हमारे महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे. अब मनाया कब जाता है? 9th जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है. इसका सेलिब्रेशन कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर में शुरू हो गया है, मध्य प्रदेश में, और 8 से ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया है. तो ये कौन सा नंबर का है? इट इज ऑफ 17th, ठीक है. ये आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था. इस दिन इंडिया में कौन कौन चीफ गेस्ट बनकर आए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो आपके गुआना, ठीक है, एक हो गया गुआना और दूसरा हो गया सूरीनेम. सूरीनेम, ये दोनों कंट्री के आपके प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट बनकर आए, ठीक है. तो गुआना के प्रेसिडेंट कौन है? गुआना के, सो ही इज डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली. डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली. और अगला कंट्री है आपका सूरीनेम. तो सूरीनेम के प्रेसिडेंट कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतकोही. चंद्रिका प्रसाद संतकोही, ठीक है. संतोखी लिख दो, चंद्रिका प्रसाद संतोखी. अब ये जो गुआना और सूरीनेम है वो कहाँ पर है? कुछ एक कंट्री है कुछ इस तरीके से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. समझ में आ रहा है कौन सी कंट्री है ये? यहाँ पे आपका पनामा कैनाल है, यहाँ पे आपकी कंट्री है कोलंबिया. तो यहाँ पर है आपका गुआना, उसके बगल में है सूरीनेम, उसके बगल में है फ्रेंच गुआना, फिर उसके बगल में है वेनेजुएला. तो गुआना और सूरीनेम के प्रेसिडेंट लोग आए थे. तो कंट्री आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है. इसी में आपका लॉन्गेस्ट कंट्री भी है, यहाँ पे क्या है? चिली. और इसी में आपका एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है, जो कि है आपका कौन सा? एंडीज. एंडीज जो है वो आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट
कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। कॉन्टिनेंटल क्यों बोला? क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लेता है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड तो वो आपका MOR हो जाता है, दैट इज मिड ओशियनिक रिज। कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन से शुरू होता है आपका, इंडियन ओशियन में भी है, तो मिड ओशियनिक रिज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सा है? दैट इज योर एंडीज। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और गुआना और सुरीनेम भी कहाँ पर है आपका? साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? देखो वर्ल्ड हिंदी डे लिखा है, अभी आपने रिसेंटली मनाया है क्या इंडिया का हिंदी डे, जो कि 14 सितंबर को मनाया था, नेशनल हिंदी डे। ये कौन सा है? वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो पहली बार जो आपका वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था, ईयर कौन सा था? द ईयर वॉज 1975, ठीक है। और हिंदी पहली बार कब बोली गई थी आपकी? UNGA में, दैट इज योर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी पहली बार बोली गई थी आपकी 1949 में। जो हिंदी है वो थर्ड सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। और इंडिया में कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, रोड सेफ्टी वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच वीक अक्रॉस द कंट्री? रोड सेफ्टी वीक आपका 11 से 17 जनवरी, 11 से 17 जनवरी। इसका थीम क्या है? थीम, द थीम इज केयर विल बी सेफ, केयर विल बी सेफ, ठीक है। थीम है आपका केयर विल बी सेफ। 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है क्या? रोड सेफ्टी वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के दिन मनाया जाता है। तो द राइट आंसर इज 12th of January, 12th of January। और इस बार इसका थीम क्या था? सो द थीम वाज डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। यूथ डेवलप होगा तो इंडिया डेवलप होगी, तो डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। किसके बर्थडे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है आपका 1985 से। कब से? 1985 से। नेक्स्ट, On which day Indian Army for the first time approved more than 30 women officers for command roles? तो ये दिन था आपका 16 जनवरी का, ठीक है। 16 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अप्रूव कर दिया मोर देन 30 वुमेन ऑफिसर फॉर कमांड रोल्स। नेक्स्ट, NDRF दैट इज योर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स सेलिब्रेटेड इस डैश रेजिंग डे ऑन 19 जनवरी। तो ये आपका 18th रेजिंग डे था, किस दिन? 19 जनवरी को 18वां रेजिंग डे था, ठीक है। मोटो क्या है? डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर, ठीक है, डिजास्टर सर्विस ऑलवेज एवरीवेयर। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है NDRF के? तो ही इज अतुल करवाल, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NDRF, ठीक है। ओके, कब से मनाया जा रहा है ये? 2006 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24th of January को मनाया जाता है। शुरू कब हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, तो 24 जनवरी 2008 को शुरू हुआ है और कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है अवेयरनेस फैलाना अबाउट इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय गर्ल्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे आपका मनाया गया है 25 जनवरी को। ये कौन सा एडिशन था इसका? तो ये आपका 13वां एडिशन था। इसका मतलब कब शुरू हुआ होगा ये 13वां एडिशन था? तो 2011 में ये शुरू हो गया था आपका नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था ये इम्पोर्टेंट है। इसका डेट इम्पॉर्टेंट है, कब से शुरू हुआ है ये इम्पॉर्टेंट है, और थीम इम्पॉर्टेंट है। तो थीम इज नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं जरूर वोट करूंगा, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है, मैं जरूर वोट करता हूं और वोटिंग से बढ़िया कुछ नहीं। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। नेक्स्ट, 25 जनवरी याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे रिपब्लिक डे के दिन ही मनाया जाता है, डेट इज 26 जनवरी। 26 जनवरी पहली बार कब मनाया गया था? 1953 में मनाया गया था। सो 1953 में कहां पर? बेल्जियम में मनाया गया था, बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। ये कहां इनॉग्रेट किया मोदी जी ने?
तो साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट हुआ है आपका नागपुर में, संतरों का शहर नागपुर में इनॉग्रेट हुआ है। थीम क्या है? साइंस एंड टेक का यूज करेंगे कहाँ कहाँ, साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो द थीम इज साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेयर इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर? फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर की मीटिंग होगी वाटर पे, तो द स्टेट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और थीम क्या है इसकी? द थीम इज वाटर विजन, वाटर विजन एट द रेट 2047। ठीक है, वाटर विजन एट द रेट 2047 मध्य प्रदेश में कहाँ पर? भोपाल में। कब मनाया गया है ये? 5th और 6th जनवरी को। ठीक है, 5th एंड 6th जनवरी को। वेयर डिड 36 मीटिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंक्लूडेड ऑन 5th जनवरी 2023? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है ये? न्यू दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी यहाँ प्रेजेंट थे, हु इज ही? अजीत, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, अजीत डोवल। ठीक है, अजीत डोवल। ओके, विच कंट्री विल होस्ट स्पेशल वर्चुअल समिट कॉल्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन January 2023? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, तो द कंट्री इज इंडिया। थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। थीम इज यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, द राइट आंसर टू दिस इज अगेन नागपुर। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बिगैन ऑन 9th जनवरी इन विच प्लेस? सो दिस बिगैन इन कोलकाता। ठीक है, G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो G20 की बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, और अभी G20 की प्रेसिडेंसी चली गई है किसके पास? ब्राजील के पास। ठीक है, ब्राजील के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बिकॉज अलग अलग मीटिंग्स हुई है, तो मैं एक वीडियो ले आऊंगी जिसमें सारी मीटिंग्स की डिटेल्स होंगी, पर्टिकुलर मीटिंग कहाँ पर हुई है, उस मीटिंग का थीम क्या था, रिजल्ट क्या था। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब टू इट प्रोजेक्ट PMYP, और ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन सभी के पास जो लोग आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो द राइट आंसर इज कोलकाता। कौन सी मीटिंग है ये? फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली मीटिंग थी कोलकाता में। ठीक है, ममता बनर्जी जी भी प्रेजेंट थी इस मीटिंग में। और थीम क्या है G20 का? द थीम वॉज वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम। 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस बिगैन इन विच सिटी? ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, तो ये शुरू हुई है कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। और इसको प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड करेंगे ओम बिरला साहब। ठीक है, ओम बिरला कौन है? हमारे लोकसभा स्पीकर है। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट वॉज इनॉग्रेटेड बाई PM नरेंद्र मोदी जी ऑन January 11th? सो द एडिशन वॉज 7th एडिशन। ठीक है, 7th एडिशन। थीम क्या था इसका? थीम था इसका मध्य प्रदेश ए फ्यूचर रेडी स्टेट, फ्यूचर रेडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट। 53rd एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट From January 16 to January 20 will be held in which country? Will be नहीं, was held हो चुका है, ये already हो चुका है। ठीक है, so the right answer to this is Switzerland. Switzerland में आपका ये already हो चुका है क्या? WEF की meeting. अब बता दीजिए comment section में कि WEF का headquarter कहाँ पर है, WEF का headquarter कहाँ पर है? इसका theme क्या था? The theme for the meeting is cooperation. Cooperation in frozen world. The theme is cooperation in frozen world. ठीक है, cooperation in frozen world. ठीक है, next. India's first health working group meeting under G20 presidency is being held in which country? अब देखो कौन सा मीटिंग आ गया, ये हेल्थ, वो था फाइनेंशियल जहाँ जो कि कहाँ पे था? कोलकाता में। ये है आपका हेल्थ, तो हेल्थ वाला कहाँ पे हुआ है? त्रिवेंद्रमपुरम में, त्रिवेंद्रम में हुआ है आपका, केरला में, हेल्थ का। ठीक है, द थर्ड मीटिंग ऑफ स्टीयरिंग कमिटी ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन और बेतवा दो रिवर्स हैं, ठीक है, इनको इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक, वॉज हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी?
तो केन बेतवा का जो आपका मीटिंग था, थर्ड मीटिंग, ये कहाँ पर हुआ है? ना ही यूपी में, ना ही एमपी में, कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। तो ये यूपी और एमपी के बीच की रिवर्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि पानी कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, तो ये पानी यूपी में आएगा, एमपी से आएगा, मतलब एमपी की रिवर लेकर यूपी में आएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी रिवर आएगी लेकर पानी? केन आएगी, जो कि एमपी की है। कहाँ पर? यूपी के बेतवा रिवर में, जो कि ड्राई रिवर है बुंदेलखंड एरिया की। यहाँ पे पानी कम है, तो इसमें ये पानी लेकर आएगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, लगभग ये 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाला है ये प्रोजेक्ट आपका, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन फिट यू आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन इन विच कंट्री? सो दिस ट्रैवल एग्जीबिशन आपका कहाँ पर हो रहा है? स्पेन में। द राइट आंसर इज स्पेन। कौन पार्टिसिपेट करेगा? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इनॉग्रेटेड ऑन 20 जनवरी 2023? इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट। सो द राइट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट उड़ीसा। नेक्स्ट, इन जनवरी 2023 विच कंट्री हैज बीन सिलेक्टेड बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज? जो चौथा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने वाला है वो हेल्थ और लाइफ साइंसेज के ऊपर होने वाला है। इसका सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो सेंटर विल बी मेड इन हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद में। और अभी हमने देखा WEF की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप विल बी हेल्ड ऑन 6 to 8 February इन विच कंट्री? देखो अब आ गया यूथ 20। ठीक है, यूथ 20, यूथ 20 की मीटिंग कहाँ पे? हेल्थ 20 कहाँ पे हुआ था आपका? त्रिवेंद्रम में हुआ था। फाइनेंशियल वाला कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अब आ गया यूथ 20, तो यू 20 कहाँ पर आपका होने वाला है? एक्चुअली हो चुका है। कहाँ पर? गुवाहाटी। तो यूथ 20 कहाँ पर? गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? आसाम में है। नेक्स्ट, वेयर विल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट? पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहाँ पर हुआ है? तो ये पहली बार हुआ है तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ये भी आपका G20 के अंडर ही था, टूरिज्म वाला। ठीक है, नेक्स्ट, एमएसएमई मिनिस्टर नारायण राणे इनॉग्रेटेड वन डे नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव इन विच सिटी? तो ये आपका इनॉग्रेट हुआ है। राणे साहब कहाँ कहाँ इनॉग्रेट करेंगे? मुंबई में इनॉग्रेट करेंगे। इट इज जस्ट याद करने का तरीका, ये मत सोचिएगा कि राणे साहब आपके मुंबई से बिलोंग करते हैं। एमएसएमई मिनिस्टर है कौन? नारायण राणे। नारायण राणे जी ने मुंबई में आपका इनॉग्रेट किया है क्या? एक दिन का नेशनल SC ST हब कॉन्क्लेव। द फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? कौन सा है? स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे मल्टीलेयर्ड ग्रुप हैं डिजिटल सॉल्यूशंस के, जैसे आधार हो गया, UPI हो गया, डिजी लॉकर हो गया, तो ये कहाँ पर हुआ है आपका? न्यू दिल्ली में। इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। G20 स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप विल होल्ड इट्स फाउंडेशन मीटिंग इन विच सिटी? 20 एंगेजमेंट ग्रुप का फाउंडेशन मीटिंग कहाँ पर हुआ है? तो ये वहीं पर हुआ है जहां पर आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेंटर बनाने की बात की है आपके इकोनॉमिक फोरम ने, हेल्थ से रिलेटेड। कहां पर? हैदराबाद। कहां पर? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम बिगैन इन विच सिटी? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरपोल का? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन। अब लियोन कहाँ पर है भाई साहब? तो लियोन है आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बिगैन इन अहमदाबाद गुजरात ऑन 27 जनवरी 2023? कौन सा साइंस कांग्रेस है? ये चिल्ड्रन, जो नॉर्मल साइंस कांग्रेस है वो कहाँ पर हुआ है? नागपुर में हुआ। जो चिल्ड्रन वाला है वो कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। कौन से नंबर का? 30th नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप? अब कौन सी आ गया? एनर्जी आ गया। हेल्थ कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में। फाइनेंशियल कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, यंग कहाँ पे? गुवाहाटी में। यूथ वाला गुवाहाटी में। अब एनर्जी आ गया, तो एनर्जी कहाँ पर हुआ है आपका? तो एनर्जी वाली मीटिंग हुई आपकी बैंगलोर में। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है कहाँ पर? बैंगलोर में या बेंगलुरु में। ठीक है,
अब कुछ अवार्ड्स पर आ जाते हैं जो कि भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान जिसको बोलते हैं क्या एनआरआई होता है, जो वही एनआरआई डे प्रवासी भारतीय दिवस वाला कब मनाया जाता है, 9 तारीख को, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कहाँ मनाया गया था, जम्मू, ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया था। और कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट लोग आए थे, सुरीनेम के और गुआना के प्रेसिडेंट लोग आए थे। ये कहाँ पर है आपका, साउथ अमेरिका में है। अब क्या कहा गया है, प्रवासी भारतीय सम्मान कितने लोगों को इस बार दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है 27 लोगों को। कितने लोगों को, 27 लोगों को। हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो द राइट आंसर इज स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना जी को वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो पेट एग्जाम आने वाला है उसके लिए स्पेशली, और एसएससी का मेंस भी आने वाला है आप लोगों का अक्टूबर एंड में। ये दोनों एग्जाम हैं आसपास अगल बगल, ठीक है। और 15 अक्टूबर के अराउंड आपका जीएसएससी भी है, जो भरे हुए हैं वो लोग आपका एक बार के लिए रिवाइज कर ले सारे सिलेबस को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपका वुमेन में है, मेन कैटेगरी में कौन है, तो मेन कैटेगरी में आपके हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव मेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और विमेन में स्मृति मंधाना, एस एस दोनों लोग हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर इट्स जैग मिशन, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है आपके उड़ीसा को। उड़ीसा में ही आपका क्या हुआ था इस बार, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। कौन कौन से स्टेडियम में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में और कहाँ पर, कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन जीता है आपका, ये जीता है कौन, जर्मनी। इंडिया का किस नंबर पे था, इंडिया का 9th था, 9th पोजीशन, किसमें, हॉकी वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू रिसीव द स्टैच्यू इन हर ऑनर एट द सिडनी क्रिकेटर ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में उनका स्टैच्यू बनने वाला है, ये पहली फीमेल क्रिकेटर होने वाली है। शी इज बेलिंडा क्लार्क। कौन है ये, बेलिंडा क्लार्क। इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल में अगेंस्ट डेनमार्क इन 1997। हु हैज वन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, सो ही इज हैरी ब्रूक। कौन है, हैरी ब्रूक। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी इन 80th गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। सो ही इज, फिल्म इज आपको पता ही होगा, नेम ऑफ द मूवी इज RRR, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 15th एडिशन ऑफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अपर्णा सेन जी को, ठीक है, अपर्णा सेन जी को। इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिल चुका है, कब, 1986 में। इन्होंने अपनी डेब्यूट की थी सत्यजीत रे जी की फिल्म, फिल्म का क्या नाम था, तीन कन्या। तीन कन्या के साथ इन्होंने अपना डेब्यू किया था। शी इज अपर्णा सेन, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। हु वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये किसको मिला है, ये मिला है आपके जिंदल स्टील एंड पावर को। जिंदल स्टील एंड पावर को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। नेक्स्ट, फलक मुमताज ऑफ विच स्टेट हैज वन गोल्डन मेडल इन 23rd नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप। स्क्वे चैंपियनशिप में फलक मुमताज को मिला है गोल्ड अवार्ड, गोल्ड मेडल। ये कहाँ से है, सो स्क्वे आपका गेम कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का ही गेम है, तो जम्मू कश्मीर की ही है ये भी, फलक मुमताज भी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अवार्डेड द मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड अवार्ड। कौन सा अवार्ड, मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड अवार्ड। इसके अलावा इनको एक अवार्ड और मिला है, विच इज प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ USA, प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ USA। सो ही इज कृष्णा वावीलाला, कृष्णा वावीलाला, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है, मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। हु हैज रिसीव द फर्स्ट फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड, फर्स्ट फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी। अभी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, अर्णव शन तिंते कथा, ठीक है। तो हु इज ही, सो ही इज के वेणु, ऑप्शन सी के वेणु, अर्णव शन तिंते कथा। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट
कौन सा एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड गोवा वाले को मिला है, ठीक है। तो न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है गोवा। ये आपका जो एयरपोर्ट है इसको जीरो कार्बन फुटप्रिंट के लिए भी जाना जाता है, जीरो कार्बन फुटप्रिंट की तरह से इसको डिजाइन किया गया है। हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड बहरीन, बहरीन कहाँ पर कंट्री है, मिडिल ईस्ट में है आपकी कंट्री बहरीन, बहरीन ईसा अवार्ड फॉर ह्यूमेन सर्विस, बहरीन ईसा अवार्ड फॉर ह्यूमेन सर्विस। द राइट आंसर टू दिस इज संदूक रियूथ, डॉक्टर संदूक रियूथ, ठीक है। नेक्स्ट, रिनाउंड सिंगर डॉक्टर प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे, ठीक है, इनको मिला है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो ये किस घराने से है, शी इज फ्रॉम किराना घराना, किराना घराना। अवार्ड कौन सा है, हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। लुंगलई फायर स्टेशन, एक लुंगलई फायर स्टेशन है जिसको आपका अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, ठीक है। और ये लुंगलई फायर स्टेशन कहाँ पर है, तो लुंगलई फायर स्टेशन आपका मिजोरम में है, मिजोरम में है, ठीक है। इसके अलावा आपका उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। तो दो इंस्टीट्यूशन को मिला है, एक आपका लुंगलई फायर स्टेशन है जो कि मिजोरम में है, और एक आपका उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव बीन अवार्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टोटल ऑफ 11 चिल्ड्रेन को मिला है। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली है आपकी आर्ट, ठीक है, आर्ट के बाद कल्चर, कल्चर के बाद ब्रेवरी, ब्रेवरी के बाद इनोवेशन, सोशल सर्विस और स्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपकी 6 कैटेगरी में दिया जाता है इसको, ठीक है। स्पोर्ट कितने लोगों को दिया गया है, 11 बच्चों को दिया गया है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट, और ये बच्चे किस उम्र के होते हैं, ये बच्चे 5 से 18 साल के उम्र के होते हैं। इसमें ना हर बच्चे को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है, और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। कौन देता है ये, आप हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब देते हैं, साहिबा, प्रेसिडेंट साहिबा जी दी हैं इस बार। How many personnel have been awarded the President's Fire Service Medal on Republic Day 2023? कौन सा मेडल है, फायर सर्विस मेडल। अब देखो फायर सर्विस मेडल, ठीक है, कितने लोग को, तो द नंबर ऑफ पीपल आर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डॉक्यूमेंट्री हैज बीन नॉमिनेटेड, देखो उस टाइम वो नॉमिनेट हुई थी और अभी उसको ऑस्कर मिल गया है। द राइट आंसर इज द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। किसने डायरेक्ट किया था, डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंसाल्विस ने, कार्तिकी गोंसाल्विस ने। अब इसको मिल चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट किया है इसको कार्तिकी गोंसाल्विस ने, और प्रोड्यूस किया है किसने, गुनीत मोंगा, गुनीत मोंगा, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म अवार्ड मिला है इसको, ठीक है, कैटेगरी में ऑस्कर मिल गया है इसको। नेक्स्ट, द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन 25 जनवरी अनाउंस्ड हाउ मेनी नेम्स फॉर पद्म विभूषण। देखो 3 कैटेगरी होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 91। टोटल कितने हैं आपके, टोटल है आपके 106। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को मिला है। टोटल कितने को मिला है, 6 लोगों को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022। सो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, ठीक है। In January 2023, who has been awarded Green Railway Station? कौन सा रेलवे स्टेशन, ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है आपका, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। Who has become first Asian to receive Oscar nomination for Best Actress? Best Actress के लिए Oscar nomination, पहली एशियन है ये, पहली एशियन एक्ट्रेस, शी इज मिशेल यो, मिशेल यो। मूवी कौन सी है जिसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवार्डेड प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, द राइट आंसर इज 47।
was awarded FIH, that is related to hockey, prestigious award on 29 January 2023? ठीक है, सो हु वॉज अवॉर्डेड दिस अवॉर्ड? सो दिस इज योर, अभी हमने देखा प्रतिभा आत्रे घराने से है, आपका किराना घराने से, तो शी इज नॉट रिलेटेड टू FIH. सो द राइट आंसर इज कार्तिकेन पांड्यन, कार्तिकेन पांड्यन. ठीक है, नेक्स्ट. एक्चुअली ही वॉज एन आई एस, ही इज एन आई एस ऑफिसर, ठीक है, और सेक्रेटरी है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर के. According to latest report of CMIE, which state has recorded highest unemployment? Highest unemployment, कौन सा state है? So 37.4% के साथ highest unemployment वाला state बन गया है आपका हरियाणा. So हरियाणा number one पे है, number two पे कौन है? राजस्थान. number three पे कौन है? दिल्ली. ठीक है, next. India has become dash largest auto car market in the world. सो इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट. पहला कौन है आपका? पहला आपका चाइना है. सेकेंड कौन है? सेकेंड इज USA और थर्ड है आपका कौन? इंडिया. सो इंडिया हैज बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो कार मार्केट इन द वर्ल्ड. हु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द सर्विस कैटेगरी आउट ऑफ ऑल कैटेगरीज इन जनवरी 2023? ठीक है, तो सर्विस कैटेगरी के अंडर कौन, किसको रैंक मिली है? पावर ग्रिड. राइट आंसर इज पावर ग्रिड. ठीक है, पावर ग्रिड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. पावर ग्रिड क्या है आपका? ये आपका कब इनॉग्रेट हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1989 में. कब हुआ था? 1989 में. नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड. अब कौन सी रैंक है इंडिया की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? तो 85th रैंक है. टॉप किसने किया है? एज यूजुअल जापान ने टॉप किया है. ठीक है, जापान ने टॉप किया है. और सेकेंड प्लेस पे कौन है? साउथ कोरिया और सिंगापुर सेकेंड प्लेस पर है. ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है? जापान है. इंडिया की प्लेस क्या है? 85th. ठीक है, पिछले साल कितनी थी? पिछले साल 87 थी. अकॉर्डिंग टू CPCB रिपोर्ट, विच वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द ईयर 2022? सो ऑब्वियसली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बिना देखे आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली. नेक्स्ट, According to UN backed panel of experts, the earth ozone layer is expected to reach 1980 level by which year? मतलब जितना थिक आपका 1980 में था उतना ही थिक आपका किस साल तक हो जाएगा? तो इधर ईयर विल बी 2040. ठीक है, 2040. अभी ओजोन का आ गया, तो इस ओजोन को मेजर किस में करते हैं? द यूनिट इज डॉप्सन. यूनिट क्या है? डॉप्सन. और वन डॉप्सन इज इक्वल टू कितना होता है? 3 मिलीमीटर होता है. ये क्या है? इसकी थिकनेस मेजर करने की यूनिट है. थिकनेस, ओजोन की थिकनेस मेजर करने की यूनिट है डॉप्सन. 2040 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022, विच स्टेट हैज इमर्ज एज द टॉप स्पॉट फॉर मोबाइल गेमर्स? तो जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे सबसे ज्यादा मोबाइल गेमर्स. द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड नंबर पे पूछ ले तो सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे राजस्थान, फोर्थ पे बिहार एंड फिफ्थ पे वेस्ट बंगाल. लेकिन पहले पे कौन है? दिस इज महाराष्ट्र. पहले पे है आपका उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट? रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आपके मनसुख मांडविया के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मनसुख मांडविया जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इन्होंने ही रिलीज किया है ये. ठीक है, कौन सी रिपोर्ट थी आपकी? रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट. According to the World of Statistics in January 2023, what is Shahrukh Khan's rank in the list of World's Richest Actor? World Richest Actor की list में शाहरुख खान का कौन सा number है? तो the number is fourth. चौथा number है शाहरुख खान का. पहला number किसका है? पहला number आपके $1 billion, $1 billion, ऐसे लिखा तो ऐसे जाता है $1 billion के साथ आपके बन गए हैं. Who is he? Jerry Shanefield, Jerry Shanefield और आपके Tyler Perry. Jerry and Perry आप याद कर सकते हो. Jerry and Perry दोनों लोग आपके फर्स्ट पोजीशन को बैक किया है. $1 billion इनकी नेटवर्थ है. सेकेंड पोजीशन पर कौन है? ही इज डॉन जॉनसन. देखा ही होगा आपने इनकी मूवीज. द आंसर इज डॉन जॉनसन. ये सेकेंड पोजीशन पर है और मतलब सेकेंड नंबर पर है. वैसे दोनों लोग का सेम है तो 1 बिलियन हो गया. तो 1, 2 ये आपके थर्ड नंबर पे हो गया. फोर्थ नंबर पर शाहरुख खान. तो इनका नेटवर्थ कितना है? सो नेटवर्थ इज 770
$770 million, $770 million. डॉन जॉनसन का कितना है? सो द राइट आंसर फॉर दिस इज $800 million. ठीक है, और इनका कितना था? $1 बिलियन. जेरी शेनफेल्ड और टाइलर पेरी, पेरी एंड जेरी. शाहरुख खान किस नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर. और इंडियन, इंडिया में से केवल एक यही है, ठीक है, जो इस लिस्ट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज इंडियाज पोजिशन एज पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स. अब देखो फायर है तो ये आग से रिलेटेड नहीं है, फायर पावर मतलब ये मिलिट्री स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ से रिलेटेड है. अब बता दो इसका आंसर. सो मिलिट्री स्ट्रेंथ रिलेटेड है तो इंडिया की पोजिशन क्या है? फोर्थ. पहली किसकी है? यूएसए की. सेकेंड किसकी है? रशिया की. थर्ड किसकी हो सकती है बताइए, एनी आइडिया? थर्ड, हाँ बिल्कुल, चाइना की. ठीक है, चाइना. फोर्थ हमारी इंडिया की है, किसमें? मिलिट्री पावर में. क्या बोलते हैं? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड एज बेस्ट पुलिस स्टेशन. बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है आपका? द राइट आंसर इज अक्सा पुलिस स्टेशन. अक्सा पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? ये किस स्टेट में भी पूछा जा सकता है, तो वहीं जहां पे आपका हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है. द राइट आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा, ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑन 25 जनवरी, वॉट परसेंटेज ऑफ टारगेटेड 19.3 करोड़ हाउस होल्ड हैव बीन कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन के अंडर कितने हाउस होल्ड कवर हो गए हैं? तो द राइट आंसर इज 56%. कितना? 56%. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर, इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी हैज रैंक्ड इन विच पोजिशन. तो गौतम अडानी जी की पोजिशन है पोजिशन नंबर 7. किसके द्वारा रिलीज हुआ है? फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनेयर. इस पोजिशन में, इसमें क्या है, इंडिया के जो गौतम अडानी जी हैं वो 7वें नंबर पहुंच गए हैं. पहले किस प्लेस पे थे भाई? पहले आपके ना फोर्थ पोजिशन पे थे, अब ये स्लिप डाउन कर गए हैं कहाँ पे? 7th पोजिशन पे. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा फर्स्ट पोजिशन पे कौन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. फर्स्ट पोजिशन पे एक फ्रांस के बिलियनियर हैं. राइट आंसर इज बर्नार्ड आर्नोल्ट. ये आपके फर्स्ट पोजिशन पर है, बर्नार्ड आर्नोल्ट. ठीक है, और ये जो आपके सीईओ है कहाँ के? टेस्ला के. कौन है आपके? एलन मस्क, जिसने ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया. ठीक है, ये आपके सेकंड नंबर पर है, ये आपके सेकंड नंबर पर है. नेक्स्ट, अननोन विटनेस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अननोन विटनेस, तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? के अब्दुल गफ्फार की. के अब्दुल गफ्फार की. ठीक है, नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रिलीज ए बुक टाइटल्ड रिवोल्यूशनरीज. अमित शाह जी ने एक बुक निकाली है, टाइटल है रिवोल्यूशनरीज. ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी है आपकी संजीव सान्याल जी ने. किसने लिखी है? संजीव सान्याल जी ने. नेक्स्ट, दक्ष इज ए पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल ऑपरेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट. क्या है दक्ष? सो दक्ष आपका इज बाई RBI, दैट इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये क्या है? फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है. ठीक है, पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल. तो ये भी पूछ सकता है कि दक्ष क्या है? तो ये आपका पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है. किसने रिलीज किया है? RBI ने. ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 360 डिग्री फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद इट्स डिजिटल फर्स्ट कैंपेन विच फीचर्स होम. कौन सा कैंपेन है? 360 डिग्री फाइनेंशियल सिक्योरिटी. तो इसमें आपके वही जो इस टाइम फेमस चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक. सो पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बन गए हैं? सुरेंद्र चावला. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सुरेंद्र चावला इज न्यू CEO एंड MD ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक. ठीक है, किसको रिप्लेस कर देंगे? सतीश कुमार गुप्ता को. द राइट आंसर इज सुरेंद्र चावला. ठीक है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट. भाई ये सब कहाँ पे होता है आपका? फुल्ली डिजिटल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये सब कहाँ पे होता है? केरला में. ठीक है, केरला. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम. स्मार्ट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है? दिस इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो दिस इज लॉन्च्ड बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है, नेक्स्ट.
कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है? कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम विच स्टेट गवर्नमेंट? कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सो इट इज रिलेटेड टू कर्नाटका. कालसा बंदूरी बोलो या बंदूरा बोलो, ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है. किससे रिलेटेड है? ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड है. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर. ये एम करता है कि जो 13 सिटीज हैं कर्नाटका की, जो ड्रॉट हिट नॉर्थ कर्नाटका की सिटीज होती हैं, उसको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना. एक डैम बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा? मालाप्रभा रिवर बेसिन. मालाप्रभा रिवर बेसिन पर डैम बनाया जाएगा. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज आउटलाइंड 5-pronged प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाई विच ईयर? तो आपका रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, प्लान करती है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए किस ईयर तक? तो ईयर विल बी 2030. ठीक है, 2030. रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करेगी तो कार्बन न्यूट्रल धीरे धीरे हो जाएगी. विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेटअप 101 crore चीफ मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड? चीफ मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड. तो द राइट आंसर टू दिस इज, जहां बाढ़ आ गई सूखे के लिए फंड बनाया गया, बाढ़ आ गई, द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस? क्या है? इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस. अब पढ़ने लिखने वाले लोग, जहां पे लिटरेसी ज्यादा है वहीं पे होगा ये सब काम. तो राइट आंसर क्या हो गया? केरला. चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? पिनराई विजयन. पिनराई विजयन. ठीक है, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च प्रज्वला चैलेंज? कौन सा चैलेंज है? प्रज्वला चैलेंज. प्रज्वला चैलेंज तो ये किसने लॉन्च किया है? प्रज्वल करेंगे हम लोग रूरल को. ठीक है, गाँव को प्रज्वल करेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया. इसका एम क्या है? आपके इनवाइट करना नए नए आइडियाज को, सोल्यूशंस को, एक्शंस को, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें. तो प्रज्वला चैलेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना. आवास भूमि अधिकार योजना कहाँ पर है? ये आपका मध्य प्रदेश में है. आवास भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में है. ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज चौहान. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर फ्रॉम इंडिया. ठीक है, बाई विच ईयर काला अजहर को मार भगाएंगे इंडिया से? सो द राइट आंसर इज 2023. ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च दिदिर सुरक्षा कवच? सो दीदी जी ने लॉन्च किया है. द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल. ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिस ऐप का नाम है दीदी के दूत ऐप का नाम है. ठीक है, The central government has approved an investment of rupees 2614 crore for Sunni Dam Hydro Project. Sunni Dam Hydro Power Project. ये कहाँ पर है? देखो, डैम वगैरह वहीं बन रहा था जहाँ सूखे के लिए भी आपका एक लॉन्च हुआ था, लेकिन आ गई बाढ़. So the right answer is हिमाचल प्रदेश. The right answer is हिमाचल प्रदेश. ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका सतलुज. किसके द्वारा? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जाएगा ये. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख यूनिक कल्चर लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट. हु विल चेयर दिस कमिटी? लद्दाख की जो यूनिक लैंग्वेज है, कल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटी बनाई गई है. उस कमिटी के आपके चेयरमैन कौन होने वाले हैं? तो चेयरमैन विल बी नित्यानंद राय. न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम हैज बीन नेम्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ये कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2023. ठीक है, 1 जनवरी 2023. नेक्स्ट, पहले इसको क्या बोला जाता था? अंत्योदय अन्न योजना. ठीक है, कुमाराकोम एंड बेपोर हैज बीन सिलेक्टेड अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन कौन सी स्कीम है? बेपोर एंड कुमाराकोम. तो बेपोर एंड कुमाराकोम स्वदेश दर्शन करेंगे, वो भी 2.0. द आंसर इज केरला. ठीक है, केरला. यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनवाल हैज इनॉग्रेटेड स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन इन विच सिटी? तो द सिटी इज अगरतला. ठीक है, कौन सी सिटी है? त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला. Which state government has launched
सहर्ष इनिशिएटिव इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल, कौन सा इनिशिएटिव है? सहर्ष। तो सहर्ष इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च हुआ है? त्रिपुरा, वही त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला वाला त्रिपुरा, ठीक है त्रिपुरा। नेक्स्ट, हु ऑन जनवरी 13, 2023 अनाउंस्ड आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट किसने अनाउंस किया है? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट तो ये अनाउंस किया है आपके नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2023 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड हाउ मेनी डे यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन? यूपी ग्लोबल सिटी कैंपेन यूपी में लॉन्च हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज कितने दिन का होने वाला है? 100 दिन का होने वाला है, ठीक है। एक और कैंपेन चल रहा है जो जिसका नाम है स्वच्छ ढाबा कैंपेन, भी चल रहा है यूपी में, ठीक है, चल रहा था मार्च 2023 में, खत्म हो गया। नेक्स्ट, Which state has become the first state in country to implement a policy for blindness control? So blindness control आप याद कर सकते हो, रेत उड़ेगी आंख में जाएगी आप अंधे हो जाओगे। The right answer is Rajasthan. Blindness control Rajasthan, ठीक है। Next, which state has launched shared school bus system? Shared school bus system and agriculture response vehicle scheme. तो ये आपका shared school bus system किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। Who has become first Indian Union Territory to shift to fully e-governance mode? पहली यूनियन टेरिटरी बनी है, तो केरला तो हटाई दो क्योंकि यूनियन टेरिटरी है ही नहीं, तो और उत्तर प्रदेश भी हटा दो भाई, तो दो आंसर बचा, तो राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू शिफ्ट टू फुल्ली ई गवर्नेंस मोड, ठीक है, ई गवर्नेंस मोड। India's first 3X platform wind turbine generator has been installed in which state? 3X platform wind turbine generator. तो ये आपका कर्नाटका में, कहां पर इंस्टॉल किया गया है? कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डिसकंटिन्यूड पढ़ो परदेश स्कीम? पढ़ो परदेश स्कीम किस मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है? देखो डिसकंटिन्यू कर दिया है तो ये है आपका माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एजुकेशन लगा सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर्स लगा सकते हो, बट ये दोनों नहीं है। द राइट आंसर इज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन 21 जनवरी 2023 हैज लॉन्च स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट? स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय योर पंजाब। किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? पंजाब में, ठीक है। विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव? साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव तो ये लॉन्च किया है आपके मध्य प्रदेश जी ने, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड आर के माथुर लॉन्च द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये आपका लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लद्दाख में लॉन्च हुआ है, ठीक है। वहां के गवर्नर कौन है? आर के माथुर, ठीक है। नेक्स्ट, Which state government in January 2023 has allowed 60 days of maternity leave to girl students? ठीक है, maternity leave अब मिलेगी किसको? Girl students को। तो पढ़ने लिखने वाला राज्य केरला, ठीक है, बाकी सारे राज्य पढ़ते हैं बट लिटरेसी रेट आपकी केरला की हाई है तो इसलिए केरला, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट्स केरला। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली सेड दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड टू मेक हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट हिमाचल प्रदेश बन जाएगा कब तक? 2025 तक। रिसेंटली ट्रायल ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ 660 मेगावाट नॉर्थ करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इन डैश हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये भी बोल सकता है कि करनपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये है आपका कहाँ पर? JSSC वालों, झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड टू मिनिमाइज बाय इंडियन रेलवेज टू मैक्सिमाइज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन इन रिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस ट्रेन? कौन सा ये प्रोजेक्ट है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल प्रोजेक्ट इज आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। किस लिए लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया है? To maximize capacity utilization and revenue generation, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा generate करें और ज़्यादा से ज़्यादा capacity को
हम लोग यूटिलाइज करें। Which state chief minister has recently launched 165 veterinary ambulances? 165 veterinary ambulance किसने launch किया है? So this has been launched by आंध्र प्रदेश। किसने launch किया है? आंध्र प्रदेश ने launch किया है। वहाँ के chief minister कौन है? Y.S. जगन मोहन रेड्डी। Y.S. जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। हर एम्बुलेंस में डॉक्टर भी होगा, एक क्वालिफाइड असिस्टेंट भी होंगे, ठीक है। वॉक्सन यूनिवर्सिटी लॉन्च प्रोजेक्ट एस्पिरेशन टू एम्पावर एडोलसेंट गर्ल्स इन क्लास 9 to 12 फ्रॉम मॉडल स्कूल्स एंड जूनियर कॉलेजेस इन विच स्टेट? द स्टेट इज तेलंगाना। द स्टेट इज तेलंगाना। विच स्टेट गवर्नमेंट इन जनवरी 2023 हैज सेट अ टारगेट क्रिएटिंग फर्स्ट ग्रीन स्टेट बाई 2025? अभी देखो पूछ घूम के आया था ना कि कौन सा किस ईयर तक, तो 2025 था आंसर। तो अब स्टेट पूछ लिया है, तो स्टेट इज हिमाचल प्रदेश। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखू जी, SSS सुखविंदर सिंह सुखू। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स? ठीक है, सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय JSSC वालों, झारखंड। ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं एक बार JSSC बोल देती हूँ ताकि जो बच्चा JSSC का फॉर्म भरा और देख रहा है, एक बार आंख खुल जाए उसकी भी। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च समग्र शिक्षा अभियान? कौन सा अभियान है? समग्र शिक्षा अभियान। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च मोबाइल ऐप प्रहारी। कौन सा मोबाइल ऐप है? प्रहारी। ठीक है, प्रहारी ऑफ विच पार्लियामेंट्री फोर्स इन न्यू दिल्ली? ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो प्रहारी किसके लिए लॉन्च हुआ है? BSF के लिए लॉन्च हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट, अंडर UN पीस कीपिंग मिशन इंडिया हैज डिप्लॉयड लार्जेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ वुमेन फोर्स इन विच सिटी और रीजन? ठीक है, तो इंडिया ने डिप्लॉय किया है लार्जेस्ट सिंगल वुमेन फोर्स कहाँ पर? तो द रीजन इज अबेई। कौन सा रीजन है ये? अबेई। ठीक है, अबेई कहाँ पे है? ये बॉर्डर एरिया है साउथ सूडान और सूडान का बॉर्डर एरिया है अबेई। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द रेजिस्टेंस फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एक्टिव इन विच स्टेट? तो TRF ये आपका एक बन गया है क्या, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये किस स्टेट में है? तो टेररिस्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर में है ये TRF। ठीक है, TRF। और ये किस एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को? तो एक्ट है आपका UAPA, विट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वीर गार्जियन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री विल बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 12 to 26? अब ये देखो आसान सा क्वेश्चन है, साफ साफ पूछा है वीर गार्जियन किस दो कंट्री के बीच मनाया जाता है। तो वीर गार्जियन आपका इंडिया और जापान के बीच मनाया जाता है, इंडिया और जापान के बीच मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया होस्टेड 21st एडिशन ऑफ, अब देखो कौन सा एक्सरसाइज आ गया, वरुण। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है? वरुण। तो वरुण किसके साथ? फ्रांस के साथ। वीर गार्जियन किसके साथ? जापान के साथ। अगला है आपका साइक्लोन वन। इंडिया एंड इजिप्ट हैज अनाउंस्ड टू होल्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की, नाम है साइक्लोन वन। ये किस सिटी में होने वाली है, मनाया गया है ये आपका? सो साइक्लोन वन आपका राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में। नेक्स्ट, द मैन्युफैक्चर ऑफ काला शिकनोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैज बिगन एट कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है, बेसिकली पूछा है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ये है आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर मैन्युफैक्चर शुरू हो गया है किसका? AK-203 का असॉल्ट राइफल, AK-203 असॉल्ट राइफल। अब AK जहाँ भी आ जाए समझ लेना कि ये रशिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है। और ये कोरवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? अमेठी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अमेठी। इंडियन नेवी कंडक्टेड एम्फिक्स, कौन सी एक्सरसाइज है? एम्फिक्स। ठीक है, कहाँ पर हुई है ये एम्फिक्स? नेवी द्वारा कंडक्ट कराई गई है एम्फिक्स। तो ये हुई है कहाँ पर आपकी? ए से एम्फिक्स, ए से आंध्र प्रदेश। आप ऐसे याद कर लो, आंध्र प्रदेश में हुई है एम्फिक्स। ठीक है,
हु हैज स्टार्टेड ऊप्स अलर्ट, या बोलो ऑपरेशन अलर्ट. ठीक है, ऊप्स लिखा है, आप उसको ऊप्स मत पढ़ लेना. क्या है ये? ऑपरेशन अलर्ट. ठीक है, अलोंग इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर इन गुजरात एंड राजस्थान. तो गुजरात और राजस्थान के पास जो आपका इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है बाय योर बीएसएफ. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी. ठीक है, फिफ्थ कौन सा है ये इंडियन नेवी में जो इंडक्ट किया गया, कौन सा आईएनएस? तो आईएनएस था आपका आईएनएस वागीर. ठीक है, आईएनएस वागीर. नेक्स्ट, अच्छा किस प्रोजेक्ट के अंदर ये सब आ रहे थे? आपके सारे आईएनएस इंक्लूड किए गए हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये है आपका प्रोजेक्ट 75. इसके अंदर 6 सबमरीन्स कंस्ट्रक्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं. नेक्स्ट, इंडिया नेवी फ्लैगशिप मैरिटाइम एक्सरसाइज कौन सी है? ट्रोपेक्स इज बीइंग कंडक्टेड इन द इंडियन ओशियन. विच ईयर वॉज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ मैरिटाइम सर्वेलेंस कंडक्टेड. ये कब से शुरू हुआ है, बेसिकली पूछ रहा है ट्रोपिक्स कब से शुरू हुआ है. तो ट्रोपिक्स शुरू हुआ है आपका 2019 से. ठीक है, 2019 से ट्रोपिक्स शुरू हुआ है. अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ साइक्लोन वन किस कंट्री से रिलेटेड था? साइक्लोन वन उदयपुर में जो मनाया गया था आपका इजिप्ट से रिलेटेड था. फिर एक हमने देखा वरुण, वरुण किससे रिलेटेड है आपका? फ्रांस. फिर एक देखा वीर गार्जियन, ये किससे रिलेटेड है? जापान. ट्रोपिक्स कब से शुरू हुआ? 2019 से शुरू हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन पर्सनल ऑफ हु कैमल कंटिजेंट महिला प्रहारी विल पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे. ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे कैमल प्रहारी, आपका राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास कौन सी फोर्सेस होती हैं? तो ये है आपकी बीएसएफ. ठीक है, बीएसएफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाएंगे कुछ आर्गुमेंट्स रिलेटेड. ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये. इंडिया ऑन जनवरी 2 साइंड कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ विच कंट्री. कौन सा है ये? कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप. तो ये आपका ऑस्ट्रिया. ठीक है, कौन? ऑस्ट्रिया. ठीक है, नेक्स्ट, 8 कंट्रीज ऑफ विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन साइंड एमओयू इन इंदौर. ठीक है, तो द राइट आंसर इज कहां पर ये? मध्य प्रदेश. तो ऑब्वियस सी बात है इंदौर मध्य प्रदेश. ठीक है, इंडियन रेलवे ऑन 14 जनवरी अनाउंस्ड टू रन भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन टू स्ट्रेंथन टाई बिटवीन. बेसिकली पूछ रहा है भारत गौरव ट्रेन किन दो कंट्री के बीच में ये दौड़ने वाली है. तो द राइट आंसर इज नेपाल. ठीक है, नेपाल. नेक्स्ट, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ऑन जनवरी 16, 2023 साइंड एमओयू विद विच स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेड बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? सो द राइट आंसर इज, कौन सा स्टेट है? तो स्टेट इज त्रिपुरा. ठीक है, त्रिपुरा. नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका टू रिलोकेट हाउ मेनी चीतास टू कुनो नेशनल पार्क. कितने चीता आ गए कुनो नेशनल पार्क में? द राइट आंसर इज 12 चीताज आने वाले हैं. ठीक है, टोटल कितने आएंगे? टोटल आएंगे 12. ठीक है, इसमें से 7 मेल होंगे और 5 फीमेल. 7 मेल और 5 फीमेल. इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट कब हो गए थे? 1952 में. कहाँ आ रहे हैं? कुनो नेशनल पार्क में. कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में. ठीक है, विच स्टेट होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा फेस्टिवल. बेसिकली पूछा है धनु यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है? तो ये धनु यात्रा उड़ीसा में. ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? लॉर्ड कृष्णा जी से रिलेटेड है. नेक्स्ट, विच कम्युनिटी ऑफ मणिपुर सेलिब्रेट्स गन नगाई फेस्टिवल आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन. सो गन नगाई फेस्टिवल, ये गन नगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का. ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, गन नगाई कहाँ का है. तो नगाई समझ के नागालैंड मत लगा दीजिएगा, ये आपका मणिपुर में है. ठीक है, मणिपुर का फेस्टिवल है. किसके द्वारा मनाया जाता है? कम्युनिटी कौन सी है? द कम्युनिटी इज जेली रांग. कम्युनिटी कौन सी है? जेलिया रांग. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट पर्पल फेस्ट हेल्ड फ्रॉम जनवरी 6 to 8. तो पर्पल फेस्ट,
पर्पल फेस्ट कहाँ मनाया गया? ये आपका पर्पल पर्पल गोवा में, ठीक है, पर्पल पर्पल गोवा में मनाया गया। नेक्स्ट, तो पर्पल फेस्ट रिलेटेड किससे था ये भी बता दीजिए। तब पर्पल फेस्ट ये लैवेंडर वगैरह से रिलेटेड नहीं था, अगर आप सोच रहे हैं तो ये रिलेटेड था कि जो सोसाइटी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स डिसेबिलिटी उसको चेंज करने से रिलेटेड था। ठीक है, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का, आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ये कहाँ मनाया गया? आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ये आपका एक ट्राइबल डांस फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, विच पेमेंट ऐप वॉज लॉन्च इन जनवरी 2023? तो ये आपका एक नया ऐप लॉन्च हुआ है, द नेम इज पे रूप। ठीक है, पे रूप। नेक्स्ट, विच फ्लावर हैव बीन एडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स अंडर शेड्यूल 3 ऑफ WPA 1972? WPA कब लॉन्च हुआ था आपका, कब? सो ये था 1972 में, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन सा फ्लावर है जिसमें ऐड कर दिया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज योर नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी। नेक्स्ट, विच फिल्म विल बी स्क्रीन एट, वॉज स्क्रीन एट एक्चुअली शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन फिल्म फेस्टिवल? ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है आपका? मुंबई में मनाया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्म फेस्टिवल आपका शंघाई कॉरपोरेशन का कहाँ पे? मुंबई में है। तो वो कौन सी पिक्चर थी, वो कौन सी फिल्म है आपकी? वो है तुलसीदास जूनियर। ठीक है, तुलसीदास जूनियर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच कंट्री हैज अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी? तो ये कौन सी कंट्री है जिसने यूरो अपनी करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है? सो द राइट आंसर दिस इज क्रोशिया। क्रोशिया ने यूरो अडॉप्ट कर लिया है। इसके पहले क्रोशिया की आपकी करेंसी क्या थी? तो इसके पहले क्रोशिया की करेंसी थी कूना। ठीक है, कूना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन सोन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल आपके सिक्स टाइम के लिए बन गए हैं कौन? बेंजामिन नेथान्यू। ठीक है, बेंजामिन नेथान्यू आपके बन गए हैं फिर से प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? इसराइल के। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ की पार्लियामेंट कितनी बड़ी है? तो 120 मेंबर है यहाँ के पार्लियामेंट में, कहाँ के? इसराइल के। नेक्स्ट, हु हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? तो ब्राजील के नए प्रेसिडेंट सिल्वा जी, दैट इज योर लूला दा सिल्वा, ऑप्शन ए, लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा बन गए हैं आपके प्रेसिडेंट, कहाँ के? ब्राजील के। ठीक है, ये आपके 39 प्रेसिडेंट होने वाले हैं ब्राजील के, ये इनका दूसरा लगातार टर्म है, इसके पहले भी, ठीक है, और इसके पहले ये कब बने थे? 2010 में बने थे। ठीक है, 2010 से लेकर 2003 के बीच में ये लगातार दो बार बने थे, और फिर अब बन गए कब? ये 2023 में। विच कंट्री हैज अज्यूम्ड इट्स प्रेसिडेंसी फॉर यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स? तो ये 6 महीने के लिए इसकी प्रेसिडेंसी ट्रेवल करती है। तो द राइट आंसर इज स्वीडन। तो पहले 6 महीने के लिए किसके पास थी? इस साल स्वीडन के पास। ठीक है, नेक्स्ट, किससे लेकर आया स्वीडन? चेक रिपब्लिक से लेकर आया ये प्रेसिडेंसी। विच कंट्री हैज बिकम सेकेंड कंट्री टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन ट्रेन? तो ये दूसरी कंट्री बनी है हाइड्रोजन ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने वाली, द राइट आंसर इज चाइना। तो पहली कौन सी थी? पहली थी आपकी जो आपकी हॉकी वर्ल्ड कप को जीत ली है, दैट इज जर्मनी। दूसरी कौन बन गई है? चाइना। नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी? नॉन परमानेंट मेंबर यूएससी का टेन्योर कितने साल का होता है? तो टेन्योर आपका ऑब्वियस से पता है, कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। ठीक है, तो कौन कौन बन गए हैं ये 5? आपके कुछ कंट्रीज बन गई है, जैसे कि आपका है इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ पर है आपका? साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर, जहाँ से इक्वेटर पास करती है। जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर बन गई। इसके पहले आपकी इंडिया थी इसके पहले वाले बैच में। ठीक है, कौन कौन सी थी? इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको और नॉर्वे थी। अभी कौन कौन सी है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। विच कंट्री विल बी द थीम फॉर इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर? इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के लिए थीम कौन सी कंट्री चुनी गई है? द कंट्री इज स्पेन। नेक्स्ट, सो ये प्रिया, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब तो आंसर सामने है, पोखरा।
ठीक है, तो पोखरा कहाँ पर है? नेपाल में है. सो द राइट आंसर इज नेपाल. किसके हेल्प से बनाया जा रहा है? चाइना के हेल्प से बनाया जा रहा है. बताओ, हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत गौरव ट्रेन और ये बना रहे हैं अपने चाइना के साथ पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट, रोज क्रिश्चियन ऑसुओका रपोंडा हैव बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो रोज क्रिश्चियन जी बन गई है वाइस प्रेसिडेंट किस कंट्री की? सो द राइट आंसर इज गेबन. गेबन की बन गई है ये वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है यहाँ के अली बोंगो. अली बोंगो इज द प्रेसिडेंट. और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? रोज रपोंडा. इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह वॉज सॉन इन एज फर्स्ट वुमेन सिख जज. पहली महिला सिख जज कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स की. नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विल लीड अ डेलीगेशन टू विच कंट्रीज फ्रॉम 16 to 21 जनवरी 2023? तो ये कौन सी कंट्री को जाने वाले हैं? तो कीनिया और तंजानिया को गए थे ये. ठीक है, ओम बिरला साहब. नेक्स्ट, विच कंट्री ऑन जनवरी 11, 2023 अनाउंस द एंड ऑफ इबोला वायरस? ठीक है, सूडान का इबोला वायरस अब यहाँ इस कंट्री से खत्म हो चुका है कंप्लीटली. तो द कंट्री इज युगांडा. कौन सी कंट्री है? युगांडा. सोनिया गुजरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ न्यू मिनिस्ट्री. अब एक नई मिनिस्ट्री बन गई है. कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल. किस कंट्री में बनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल? यहाँ के आपके मिनिस्टर कौन है? सोनिया गुजरा. मिनिस्ट्री कहाँ पर है ये? ब्राजील में है, वही जहाँ पर लूडा डी सिल्वा प्रेसिडेंट बन गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री अनाउंस एडॉप्शन ऑफ पंजाबी एज द लेटेस्ट लैंग्वेज? तो कैनेडा अगर ऑप्शन में होता तो फॉर श्योर कैनेडा लगा देते, बट पंजाबी आपकी लैंग्वेज इंक्लूड की जाएगी स्कूल में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 80% आपका ग्रोथ हुआ है वहाँ पे इस लैंग्वेज के बोले जाने वाले लोगों का. सो द राइट आंसर टू दिस इज ऑस्ट्रेलिया. द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज नेम्ड द विनर ऑफ 71st एनुअल मिस यूनिवर्स? सो 71st एनुअल मिस यूनिवर्स की विनर बन गई है आर बॉनी गैब्रियल. आर बॉनी गैब्रियल. ठीक है, इंडिया ने 3 बार ये टाइटल जीता है. पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन जी को मिला था ये टाइटल. ठीक है, उसके बाद लारा दत्ता को मिला था. ठीक है, कब? 2000 में. और उसके बाद 2021 में किसको मिला था? आपके हरनाथ संधू जी को मिला था. अभी किसको पास है ये? आर बॉनी गैब्रियल. आर बॉनी गैब्रियल. ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया ऑन जनवरी 15, 2023 अनाउंस टू डोनेट 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन देगी ये क्यूबा को. किसको देगी? क्यूबा को. और पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 डिजीजेस से लड़ती है. एक तो आपकी है गई डीपीटी, दैट इज योर डिप्थीरिया. ठीक है, डीपीटी. डीपीटी में क्या क्या होता है आपका? एनी आइडिया? डीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, आप लोग कमेंट डाउन करो. वैसे बता ही देते हैं, पहला आपका डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस. क्या है पी से? पर्टुसिस. और टी से तो पता ही है टेटनस. इसके अलावा दो और है, इसके अलावा दो और रहेंगी इसमें पेंटावेलेंट में. क्या क्या है आपके? हेपेटाइटिस बी और HIV भी है. HIV दैट इज योर इंसेफ्लाइटिस बी. ठीक है, सॉरी इन्फ्लुएंजा भी. नेक्स्ट, विच कंट्री विल रिलीज पोस्टेज स्टैम्प विद ए पोर्ट्रे ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन देयर 75th इंडिपेंडेंस डे? तो कौन सी कंट्री है जो जवाहरलाल नेहरू की शक्ल वाला एक पोस्टेज स्टैम्प रिलीज करने वाली है? तो द कंट्री इज श्रीलंका. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आफ्टर मैसिव प्रोटेस्ट? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए वहां पे और उसके बाद वहां पे इमरजेंसी ला दी गई. तो राइट आंसर इज पेरू. पेरू कहाँ पर है आपका? साउथ अमेरिका में है. कैपिटल क्या है इसकी? लीमा. कैपिटल क्या है? लीमा. ठीक है, प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट हुए थे? वहां के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे. वहां के प्रेसिडेंट कौन है? द प्रेसिडेंट इज डीना बोलुआर्डे. डीना बोलुआर्डे. ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ब्लैक LGBTQ वुमेन टू बी सॉन एंड एज ऑकलैंड सिटी काउंसिल मेंबर इन US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया? सो द राइट आंसर टू दिस इज जनानी रामाचंद्रन. जनानी रामाचंद्रन ये पहली यंगेस्ट ब्लैक LGBTQ वुमेन बनी है. ठीक है,
जसिंदा अर्डर्न हैज अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन एज प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया इन्होंने. ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर थी तो शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. कहाँ से? न्यूजीलैंड की. ठीक है, अभी न्यूजीलैंड में नए प्राइम मिनिस्टर बन गए होंगे, तब कोई बात नहीं, उसका भी क्वेश्चन आएगा आगे. ठीक है, विच कंट्री हैज बिकम इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो इंडिया की चौथी लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गई है कौन? रशिया. नेक्स्ट, विच हु विल रिप्लेस, देखो आ गया, जसिंदा अर्डर्न, ये कहाँ से थी? न्यूजीलैंड से थी. तो किसको रिप्लेस, इनको रिप्लेस कर दिया एज 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड. तो द राइट आंसर इज क्रिस हिपकिंस. क्रिस हिपकिंस बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के, 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, क्रिस हिपकिंस. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट क्रेडिटर कंट्री टू एश्योर श्रीलंका फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग? तो कौन सी कंट्री हो सकती है भाई इतनी दयावान? तो हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया. ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड न्यू इनिशिएटिव टू रिड्यूस डिलेज इन वीजा प्रोसेसिंग इन इंडिया? तो द राइट आंसर टू दिस इज यूएसए. Who has been elected as Vice President at 12th session of FAO, Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources for Food and Agriculture? कहाँ पे हुआ है? रोम में. तो Vice President कौन की कंट्री बनी है ये? तो आपको पता ही चल गया होगा आंसर, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है. तो आंसर इज इंडिया. ठीक है, इंडिया, इंडिया इज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ FAO. Where will Shanghai Corporation Organization Film Festival be held? अभी बताया मैंने इसका आंसर. फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है इसका? मुंबई में हुआ है. फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नाटो मिलिट्री कमिटी पेट्रिक पेवेल हैज बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो पेट्रिक पेवेल जो है वो पहले क्या थे? नाटो के मिलिट्री कमिटी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और अभी ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट. किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ये? तो द राइट आंसर टू दिस इज चेक रिपब्लिक. कहाँ के नए प्रेसिडेंट है? चेक रिपब्लिक के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रिपल टेस्ट सर्वे. ये ट्रिपल टेस्ट सर्वे होगा, हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है ट्रिपल टेस्ट सर्वे की. ठीक है, तो ये किस स्टेट में होने वाला है? उत्तर प्रदेश में होने वाला है. ठीक है, ओबीसी से रिलेटेड है ये. द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज नेम्ड सेक्रेटरिएट ऑफ G20 साइंस वर्किंग ग्रुप? G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सेक्रेटरिएट कौन सा इंस्टीट्यूट बना था? तो राइट आंसर इज IISc बेंगलुरु. IISc बेंगलुरु. नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड नोडल मिनिस्ट्री फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग? अब ऑनलाइन गेमिंग को कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगी? तो राइट आंसर टू दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. वेयर विल इंडिया सेटअप फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट? वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे सेटअप होगा आपका? पुणे में. कहाँ पर? पुणे में. Where will India's second longest cable-based 8-lane Zuari Bridge open? Basically पूछ रहा है Zuari Bridge कहाँ पर open हुआ है? तो Zuari Bridge आपका हुआ है कहाँ पर? गोवा में. कहाँ पर? गोवा में. अब एक चीज़ यहाँ दिख रही है आपको hidden, जो कि है second longest. First longest 8-lane cable वाला ब्रिज कौन सा था आपका? C-Link. C-Link है आपका कहाँ पर? मुंबई में. अब ये second longest है कहाँ पर? गोवा में. ठीक है, next. India's first underwater metro. इंडिया का पहला underwater metro. Right answer is कोलकाता. Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी National Institute of Water and Sanitation ये कहाँ पे inaugurate हुआ है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रानी मुखर्जी. मुखर्जी लोग कहाँ से होते हैं? West Bengal. Next. Which city of Gujarat received its first vitro fertilization IVF mobile device on January 1, 2023? पहली mobile IVF device. पहली mobile IVF device मिली है किसको? अमरेली को. किसको मिली है? अमरेली को. ठीक है, अमरेली कहाँ पर है? गुजरात में है. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल स्पाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. सेंट्रल स्पाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुलने वाला है ये? तो ये खुलने वाला है आपका देवनहल्ली में. देवनहल्ली कहाँ पर है आपका? कर्नाटका में है. देवनहल्ली में खुलने वाला है, कर्नाटका में. ठीक है, स्पाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये. नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मिशन 9 to 9 टू इंक्रीज वोटिंग. ये कहाँ के इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है? किस स्टेट में? तो ये आपका किस स्टेट में लॉन्च हुआ है? ये आपका लॉन्च हुआ है त्रिपुरा में टू इंक्रीज वोटिंग. ठीक है, नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन पार्क. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बन रहा है आपका जयपुर में. किसने इनॉग्रेट किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने. ठीक है, नेक्स्ट,
डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज. सियोम ब्रिज किस स्टेट में है? सियोम ब्रिज तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में है सियोम ब्रिज. ये क्या करेगा? जो बॉर्डर एरियाज है चाइना के वहां पे कनेक्टिविटी को अच्छा करेगा. वेयर विल 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल बी हेल्ड फ्रॉम 12th टू 16th जनवरी. अभी हमने देखा था कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है. कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको? कर्नाटका में सेलिब्रेट किया गया था नेशनल यूथ फेस्टिवल. नेशनल यूथ फेस्टिवल. डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड ई लाइब्रेरी. डोडा डिस्ट्रिक्ट ने ई लाइब्रेरी लॉन्च किया है. डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? डोडा डिस्ट्रिक्ट आपका है जम्मू एंड कश्मीर में. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर. विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द मॉडर्न मूरल आर्ट वॉल ऑफ पीस? मॉडर्न मूरल आर्ट वॉल ऑफ पीस किसने लॉन्च किया है? ये किसने बनाया है वॉल ऑफ पीस? तो आपको बनाया है किसने? केरला ने. ठीक है, 700 फुट लंबी ये वॉल है. इन जनवरी 2023 कौन सा रेलवे स्टेशन को मिला है FSSAI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन? तो ईट राइट आपके मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस के स्टेशन बनारसी कैंट को मिला है ये सर्टिफिकेशन, ईट राइट सर्टिफिकेशन. नेक्स्ट, जनवरी 2023 में कौन सा फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल अदर देन स्टेट्स और इट्स यूनिट्स? जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो राइट टू सिटीजन होते हैं अगेंस्ट मन चाहा बिहेवियर ऑफ योर स्टेट. लेकिन अभी दो फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो हम लोग किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगा सकते हैं इसको. तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21. अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में दोनों आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है और आर्टिकल 21 क्या कहता है. ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ऑन जनवरी 2023 इनॉग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट हॉकी स्टेडियम इन विच सिटी? स्टेट ऑफ आर्ट हॉकी स्टेडियम का इनॉग्रेशन हुआ था यहीं पे आपका क्या हुआ है, हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ है. सो द राइट आंसर इज राउरकेला. ठीक है, राउरकेला. राउरकेला में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम का इनॉग्रेशन भी हुआ था. इस स्टेडियम का नाम रखा गया है आपका बिरसा मुंडा के नाम पर. ठीक है, एक और स्टेडियम में आपका हुआ है ये हॉकी का टूर्नामेंट. कौन सा स्टेडियम है वो? कलिंगा स्टेडियम. कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है. नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड 3-डे नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर कुंभ? नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर कुंभ तो आपके कौन है ये, कौन से मिनिस्टर? तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर. ठीक है, ये कौन से मिनिस्टर है? एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आपके नरेंद्र सिंह तोमर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम ओपेंड? वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तो ये कहाँ पे ओपन किया गया? सो इट वॉज ओपन इन तिरुवनंतपुरम. कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में. हु हैज लॉन्च थीम लोगो एंड वेबसाइट ऑफ यूथ 20 समिट ऑन 6 जनवरी 2022? अब बताओ यूथ 20 हुआ कहाँ पर है? अभी मैंने बताया आज की क्लास में. चलो बताओ, ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन की यूथ 20, यूथ 20 कहाँ पर हुआ है अंडर D20? तो ये यूथ 20 अनुराग सिंह ठाकुर. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर कौन? अनुराग सिंह ठाकुर. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, किस चीज के मिनिस्टर हैं ये? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये. ठीक है, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है बेली सस्पेंशन ब्रिज? बेली सस्पेंशन ब्रिज एक फेनोमेनन भी है जिसको बोलते हैं क्या, बेली बीड. बेली बीड ये कब दिखती है आपकी? ये दिखती है आपकी सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, या फिर बोल दो सूर्य ग्रहण के टाइम पे, जब मून आपका सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. बेली बीड अभी क्या है? बेली सस्पेंशन ब्रिज. ये सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? जहाँ पे डोडा लाइब्रेरी खुली है. कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट, अगला है छेरछेरा फेस्टिवल. अब बता दो छेरछेरा फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? छेरछेरा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है. कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर विल 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 15th बिगन? कहाँ पे हुआ ये 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है. ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? ये आपका बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया. कहाँ पर? बेंगलुरु में सेलिब्रेट किया गया. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नर हैज अप्रूव 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन? 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन. ये एक्चुअली पहले भी रिजर्वेशन दिया गया था, बीच में हटा लिया गया था, फिर से अप्रूव कर दिया गया है. सो द स्टेट इज योर उत्तराखंड. उत्तराखंड. नेक्स्ट,
Where will Prime Minister Narendra Modi flag off world's longest river cruise MV Ganga Vilas on January 13? So ये MV Ganga Vilas कहाँ पे inaugurate हुआ? तो obvious ही बात है ये उन्हीं की constituency वाराणसी में inaugurate हुआ, ठीक है? Next, India's first center of excellence in online gaming will be set up where? ऑनलाइन गेमिंग किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई ये भी बता दीजिए आप. अभी बताया मैंने 4-5 क्वेश्चन पहले. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग ये कहाँ पे सेटअप हुआ हो रहा है? ये आपका शिलोंग में सेटअप हो रहा है. कहाँ पे? शिलोंग में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग सिकंदराबाद विथ विच प्लेस. सिकंदराबाद को किस प्लेस से कनेक्ट करने के लिए वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेट की गई थी? तो राइट आंसर इज विशाखापट्टनम. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम फोर्थ स्टेट टू रीस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम. धीरे धीरे कई सारे स्टेट आपके रीस्टोर कर लिए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को. अभी चौथा स्टेट कौन सा बन गया है? द फोर्थ स्टेट इज योर हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल प्रदेश. विच इज फर्स्ट, अब लो आ गया, मैंने बताया था ना पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट केरला का ही है. ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट. विदिशा, विदिशा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है. चलो क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं. विदिशा फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू इंप्लीमेंट 5G टेक्नोलॉजी. पहला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसने 5G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया है. तो द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड सेकेंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ. संसद खेल महाकुंभ ये उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया, वर्चुअली इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. नेक्स्ट, द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 2 स्मॉल स्तूपास विथ इन द प्रेमाइसिस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा महावीरा. ठीक है, 2 छोटे छोटे स्तूपास मिले हैं. ये कितने साल पुराने हैं लगभग? ये आपके लगभग 1200 साल पुराने हैं. कितने साल पुराने हैं? 1200 साल पुराने हैं. अब बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, नालंदा बनवाया किसने था, एस्टैब्लिश किसने किया और डिस्ट्रॉय किसने किया? कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर्स आप लिखिए. एस्टैब्लिश किसने किया और डिस्ट्रॉय किसने किया? अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है क्वेश्चंस की तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रोजेक्ट PMYP और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट, अब अगला है परख. ये परख किसने लॉन्च किया है? परख होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए परख लॉन्च किया है किसने? NCERT ने. किसने लॉन्च किया है? NCERT ने. नेक्स्ट, किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए थे हमारे चीफ गेस्ट कहाँ के? रिपब्लिक डे के लिए. रिपब्लिक डे 2023 में किस कंट्री के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट बने थे? वही जहाँ के लिए साइक्लोन वन जो शुरू हुआ है आपका एक्सरसाइज, 75 साल पूरे हो गए हैं हम दोनों लोगों के कंट्री के मित्रता के. तो द राइट आंसर इज इजिप्ट. कौन था? इजिप्ट. प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह एल सीसी. ठीक है, नेक्स्ट, इन जनवरी 2023 इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल्स बाय सी. तरंग मेल सर्विस लॉन्च की गई है इंडिया पोस्ट के द्वारा, सी से डिलीवर करेंगे पार्सल्स को. तो राइट आंसर क्या है? गुजरात. ठीक है, फेरी के थ्रू ये डिलीवर किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द डीपेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन. डीपेस्ट कितना डीप है? ये 33 मीटर अर्थ से नीचे है. ठीक है, तो राइट आंसर इज कहाँ पर है ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन? तो ये है आपका पुणे में. कहाँ पर? पुणे में. रेयर बैट ऑफ ऑरेंज कलर कहाँ पे देखने को मिला गया है? कांगर वैली नेशनल पार्क में. तो ये कहाँ पर है कांगर वैली नेशनल पार्क? ये है आपका छत्तीसगढ़ में. कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, एक प्रपोजल भेजा है टू डेजिग्नेट अहोम मैदान एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा है यूनेस्को को ताकि वो अहोम मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना ले. तो अहोम, तो ऑब्वियस बात है अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम. द राइट आंसर इज असम या आसाम. ठीक है, हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार वर नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र विनर्स? तो द नंबर आर आइलैंड आर 21. 2018 में अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड था रॉस आइलैंड, इसको किसके नाम पे रख दिया गया था? वही जिनको महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था और जिन्होंने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था. राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस.
है, रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रख दिया गया था। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है, पूरे इंडिया का नहीं, ठीक है? तो ये कहाँ पर आपका बनाया गया है? तो राइट आंसर इज चंडीगढ़। कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। अब देखो ऑरेंज कहाँ के फेमस है? नागपुर के फेमस है, तो नागपुर का नाग ले लो, तो राइट आंसर विल बी योर नागालैंड, ठीक है? ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। विच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट रेड फोर्ट? भारत पर्व कौन से मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्या ऑर्गेनाइज करेगी? भारत पर्व, ठीक है? नेक्स्ट, सोलो टेल बटरफ्लाई दैट डिसअपियर्ड फ्रॉम चाइना टू वियतनाम, ये कहाँ देखने को मिली है? जहाँ पे सियोम ब्रिज बना है। द स्टेट इज योर अरुणाचल प्रदेश। सोलो टेल बटरफ्लाई, सोलो टेल बटरफ्लाई। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल? नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का इनॉग्रेशन किसने किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर्वनंदा सोनवाल जी ने इसका क्या किया? इनॉग्रेशन किया, सर्वनंदा सोनवाल। ये कौन है आपके? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर है सर्वनंदा सोनवाल, ठीक है? सेवेंथ एडिशन ऑफ नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट विच बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है? कौन सी बर्ड सेंचुरी है? वो आपकी है विजय सागर बर्ड सेंचुरी। अब ये कहाँ पर है? यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये है आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है ये, ठीक है? इसका मेन फोकस है इको टूरिज्म फॉर नेचुरल कंजर्वेशन या नेचर कंजर्वेशन। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल हुआ है कहाँ पे? विजय सागर बर्ड सेंचुरी में। विच स्टेट अनाउंस पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर ड्रैकोनियन लॉज टू मेन मैरिंग माइनर गर्ल्स? अगर कोई आदमी किसी माइनर लड़की से शादी कर लेता है तो उसको जेल हो जाएगी। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? वही अहोम वाला स्टेट, तो स्टेट इज आसाम, ठीक है? आसाम। नेक्स्ट, वॉट हैज बीन रीनेम्ड एज मुगल गार्डन? कौन से गार्डन जो आपको मुगल गार्डन, उसको कौन सा नाम दिया गया है? तो द राइट आंसर इज आपका अमृत उद्यान। क्या है? अमृत उद्यान नाम दे दिया गया है किसको? मुगल गार्डन को। इसको आपका डिजाइन किसने किया था? वही जिसने दिल्ली का डिजाइन किया था। द राइट आंसर इज एडविन लुटियंस। कभी कभी दिल्ली को लुटियन दिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है? कब? 1928 के टाइम पे, ठीक है? इसने आपका राष्ट्रपति भवन का भी डिजाइन किया था एडविन लुटियन जी ने। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने आपका 75 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया था। किसके 75 साल पूरे हो गए थे उस उपलब्धि में, उस खुशी में? तो वो है आपका राइट आंसर एनसीसी, दैट इज योर नेशनल कैडेट कॉप्स, नेशनल कैडेट कॉप्स। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विल बी मेड अवेलेबल इन शेड्यूल लैंग्वेजेस। जो आपकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, वो किस प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल कराई जाएंगी? तो द प्रोजेक्ट इज ESCR, ESCR, ठीक है? नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर ICC मेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो ICC मेन T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये कौन बन गए? वही जो इतने फेमस चल रहे थे, सूर्य कुमार। नेक्स्ट, विच कंट्री मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विल बी नेम्ड आफ्टर शेन वॉन? तो शेन वॉन कहाँ के प्लेयर है? इसी को आंसर बता दीजिए तो पता चल जाएगा। शेन वॉन कहाँ के हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज साइन 2.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विथ विच फुटबॉल क्लब? अब ये अपना क्लब सारे प्लेयर्स जो होते हैं चेंज करते रहते हैं। ये आपके किस कंट्री से है? कंट्री तो इनकी पोर्टुगल है, ठीक है? पोर्टुगल है। इसके पहले ये किसके लिए खेलते थे? इसके पहले ये आपके खेलते थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, ठीक है? मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले रियल मैड्रिड के लिए थे। अभी वो क्या है? सऊदी अरेबिया के एक क्लब, फुटबॉल क्लब जिसका नाम है अल नसर, उसको ज्वाइन कर लिया है। क्लब का क्या नाम है? अल नसर। कहाँ का है? सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरेबिया का है, ठीक है? नेक्स्ट, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप? ब्लिट्स क्या होता है? जो बहुत छोटे टाइम का, 3 मिनट का गेम होता है या 1 मिनट का गेम होता है, बहुत रैपिड गेम होता है चेस का। तो 2 मेडल जीता है किसने? द राइट आंसर इज आपके कोनेरू हम्पी, ठीक है? कोनेरू हम्पी, शी इज द फर्स्ट इंडियन इन हिस्ट्री टू विन 2 मेडल्स, ठीक है? हु हैज रिसेंटली बिकेम 78th ग्रैंड मास्टर? तो 78 के बाद 79 भी बन चुके हैं, बट फिलहाल 78 का आंसर है कौस्तव चैटर्जी, कौस्तव चैटर्जी। हु हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फास्टेस्ट बोलर?
इंडिया का फास्टेस्ट बॉलर, कितने तेज बॉल फेंकी इन्होंने, 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी थी T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंका के अगेंस्ट था। इससे पहले आपके बुमराह जी के पास ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 153.36 किलोमीटर पर रफ्तार के साथ बॉल फेंकी थी। द राइट आंसर इज उमरान मलिक। राइट आंसर क्या है, उमरान मलिक। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज रिसेंटली सरपास्ड सर डॉन ब्रैडमैन इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट सेंचुरीज। तो ब्रैडमैन को सरपास करने वाला कौन सा प्लेयर बन गया है, वो स्टीव स्मिथ। कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया। फॉर्मूला ई रेस विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो ये फॉर्मूला ई रेस कहाँ पे हुई है, आपकी हैदराबाद में हुई है। 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, 79 ग्रैंड मास्टर आपके 78 तो बन गए थे कौस्तव चैटर्जी, 79 बन गए आपके एम प्रणेश, एम प्रणेश। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज साइन पार्टनरशिप विथ हुम फॉर FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप। तो ये कौन सा ग्रुप है आपका, अच्छा मैंने ग्रुप बोल दिया, तो राइट आंसर इज JSW ग्रुप। JSW ग्रुप के साथ साइन किया था इसने आपका पार्टनरशिप, किसके लिए, FIH उड़ीसा हॉकी। उड़ीसा में हुआ था, दो स्टेडियम कौन कौन सा है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम और एक आपका कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है और ये आपका राउरकेला में है। नेक्स्ट। मैस्कॉट टॉर्च एंड एंथम ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वाज अनवील्ड बाय, ये किसके द्वारा अनवील किया गया, आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट। लेजेंडरी फुटबॉलर ग्रेथ बेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल, ये किस कंट्री से है, ग्रेथ बेल कहां से है, वेल से है, कहां से है, वेल से। नेक्स्ट। Who has won its first ATP World Tour title in men's single category in Pune? ठीक है, तो he is your Talon Grigspor. The right answer is Talon Grigspor. ठीक है, कहाँ से हैं ये, नीदरलैंड से हैं। Next question is, who on 10th January 2023 equaled Sachin Tendulkar record of most centuries? सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के इक्वल कर लिया किसने, विराट कोहली ने, विराट कोहली ने। विच इंडियन प्लेयर हैज स्कोर्ड द सेकेंड हाईएस्ट स्कोर इन रणजी ट्रॉफी इन हिस्ट्री सो फार। तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है, पृथ्वी शॉ ने, पृथ्वी शॉ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फर्स्ट किसके द्वारा है, ये तो सेकेंड है, तो सबसे हाईएस्ट रन किसने बनाया है आपका, बाऊ साहब निम्बालकर। कहाँ से हैं बाऊ साहब निम्बालकर, ये आपके महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट। 15 जनवरी को फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट, फिर अगेन विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन बैंकॉक ओपन मेंस डबल टेनिस चैंपियनशिप, मेंस डबल टेनिस चैंपियनशिप। तो दो लोग हैं, कौन कौन है, यूकी भांबरी एंड साकेत माइनेनी, साकेत माइनेनी। हॉकी इंडिया हैज लॉन्च्ड ए न्यू मेटावर्स प्रोडक्ट हॉकी वर्स। ये हॉकी वर्स कहाँ लॉन्च किया है आपका, वही जहाँ पे दो जगह जहाँ पे हुआ है आपका राउरकेला और भुवनेश्वर, यहीं पे दोनों हुआ था ना आपका क्या, FIH का हॉकी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट। हु हैज वन मेन्स सिंगल टाइटल एट मलेशिया ओपन बैडमिंटन हेल्ड इन कोलालंपुर, मलेशिया की कैपिटल कोलालंपुर, किसने जीता है ये आपका, विक्टर एक्सेलसन, विक्टर एक्सेलसन ने जीता है मेन सिंगल टाइटल। ठीक है, मेन सिंगल टाइटल कहाँ पे हुआ आपका, मलेशिया में हुआ। विक्टर कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। हु हैज बिकम यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी, यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी, शुभम गिल। नाम कैसे कोई भूल सकता है शुभम गिल जी का। क्रिकेटर हाशिम आमला हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। हाशिम आमला कि किस कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते थे, हाशिम आमला ये खेलते थे आपके साउथ अफ्रीका के लिए, कहाँ के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। हु हैज वन विमेन्स सिंगल फाइनल एट इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप एट KD जादव इंदौर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। तो वुमेन्स सिंगल फाइनल किसने जीता है, वुमेन इंडियन बैडमिंटन का। ठीक है, सो द राइट आंसर टू दिस इज योर एन सियोंग। क्या नाम है, एन सियोंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, KD जादव स्टेडियम कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट। वेयर डिड
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैज़ हेल्ड इट्स फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग आउटसाइड दिल्ली. दिल्ली के बाहर पहली बार कहाँ पर हुई है? वहीं जहाँ पर हॉकी का टूर्नामेंट हुआ था, भुवनेश्वर. तो राइट आंसर क्या है? भुवनेश्वर. इसी के साथ आपके लमसम 300 क्वेश्चंस ऑफ जनवरी खत्म हो गए. अब फरवरी के क्वेश्चंस, फरवरी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे, ठीक है? 3-4 दिनों में मैं फरवरी का भी अपलोड कर दूंगी. और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी कब तक? सितंबर के लिए. एक बार सितंबर तक पूरा हो जाता है फिर हम लोग पीछे साइड चलेंगे, मतलब दिसंबर 2022 से भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सारे करंट अफेयर्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर UP SSSC पेट, जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है? साथ ही साथ आपका VPO की भी कट ऑफ जारी कर दी गई है, 69 पॉइंट समथिंग जनरल की कट ऑफ गई है VPO की. तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आप अपनी पूरी रखिए. और जिनका SSC का मेंस है अक्टूबर के एंड में, उनके लिए भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है. JSSSC का भी एग्जाम आ रहा है 15 अक्टूबर को. जो भी फॉर्म भर रहे हैं आप लोग, एक बार चौकन्ना हो जाइए, फटाफट रिविजन शुरू कर दीजिए. इस मैराथन के थ्रू आप लोग करंट अफेयर्स को एक बार में आप याद कर सकते हो. एक बार अगर देख लो इस वीडियो को अच्छे से, मैं एक ही चीज़ को कई बार एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में फरवरी महीने के साथ. टिल देन स्टे ट्यून एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल दोस्त जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. टिल देन जय हिंद,